जी वेलकम ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का डेस्टिनी स्टार में। प्लेटफॉर्म दिया है अजय शास्त्री सर ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक कदम लिया है इस महीने बहुत सारी ब्लेसिंग्स क्लास देने का, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, लेकिन कंटेंट हजारों रुपए का है। आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये नॉलेज आपसे कोई भी छीनने वाला नहीं है। एक बार आपने ये नॉलेज ले लिया, वो आपके पास लाइफ टाइम तक रहने वाला है। और धन्यवाद करेंगे उन सभी टीचर्स का जिन्होंने विदाउट एनी कॉस्ट ये करने का निर्णय लिया, जैसे कि रश्मि जैन जी हैं, सुनीता सिंगला जी हैं, प्रिया डांड जी हैं, और अभी अरविंद सर भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा कल जो सर थे, जिनकी कल क्लास होने वाली है, वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। कल उनकी क्लास बहुत ही बेहतरीन गई थी। कोशिश यही कीजिए कि आपको लगता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो चलो सेशन अटेंड करते हैं, नहीं अटेंड करते हैं, प्लीज डू ज्वाइन द लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस का आनंद अलग होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग के भरोसे ना रहिए। तो ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं, अजय जी का धन्यवाद करते हैं। सर किन से शुरुआत करेंगे? एक लाइन मुझे बोलना है। जी जैसे सर, आप सब लोग आते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जो आसपास की जो ग्रुप है, न्यूमरोलॉजी ग्रुप है, जो भी है, यहाँ पे बहुत सारी चीज गलत चीज मिथ्ये में फैलाया जा रहा है, तो आप उनको भी लिंक शेयर करो। आप तो हमारे साथ क्या होगा, अच्छे लोग जुड़ेंगे तो हमको भी हिम्मत मिलेंगी, तो आप लोगों का भरोसा हमको आगे लेके जाएगा। आज हम 5 क्लास फ्री दे रहे हैं, हो सकता है आगे 10 क्लास फ्री से कर दे। हमारी जो लिंक आती है आप लोग अपने पास मत रखिए, आपके जो ग्रुप में जो न्यूमरोलॉजी ग्रुप, एस्ट्रोलॉजी ग्रुप, सब जगह शेयर कीजिए, ताकि जो नॉलेज हम लोग आपको दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हाँ पुरुषोत्तम जी, जी सर, प्लीज और सर, एक प्रिया प्रिया जी से, प्रिया जी को मैं ऑटो दोनों को स्पॉट एक साथ ले सकते हैं क्या? अपना एक बिल्कुल साथ ले सकते हैं सर, हॉटस्पॉट पे दोनों बिल्कुल ले सकते हैं सर। को ले लीजिए, दोनों को साथ में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी एंड अरविंद जी सर दोनों। प्लीज ओवर टू यू प्रिया जी, प्लीज स्टार्ट कीजिए। आप सब लोग हॉट स्पॉट पे हैं एंड कोस्ट हैं, आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। थैंक यू, थैंक यू अजय जी, एंड थैंक यू पुरुषोत्तम जी। आपने बहुत अच्छा बोला, इन सबको इंस्पायर भी किया कि नॉलेज सिर्फ खुद में नहीं लेनी, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और जितना हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उतना नॉलेज भी हमें ब्लेस करती है। सो गॉड ब्लेस एवरीवन जो आज इस कॉल में है। मेरे गुरु की तरफ से जय गुरु जी टू ऑल, एंड होप मेरे गुरु जी आप सबको जो इस कॉल पे हैं ब्लेस करें विथ राइट नॉलेज, एंड आप भी उस नॉलेज को स्प्रेड करें। मेरे और अरविंद का एक ही एम है, हम एक रिसर्च ग्रुप बनाएं और उस रिसर्च ग्रुप में उन लोगों को शामिल करते जाएं जो उस रिसर्च ग्रुप को कंट्रीब्यूट करके एक किस्म से ह्यूमैनिटी और यूनिवर्स को कुछ इन रिटर्न देकर ही जाएं। सो दैट्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन फ्रॉम माई सेल्फ। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी अपने बारे में, एक छोटी सी पीस बोलूंगी। इज अकूल साइंस इज एन ओशन, और उस ओशन में मैं डीप डाइव करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, एंड लेयर बाय लेयर जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ, बहुत अच्छी जर्नी ले रही है मेरी। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, मैं पढ़ाती भी हूँ, एंड मैं रिसर्च भी करती हूँ। सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरा रिसर्च, एंड अरविंद जी मेरे को पार्टनर है इस रिसर्च में। हमारी टीम है जो रिसर्च करती है। अरविंद छोटा सा आपको मौका दूंगी, एंड देन आप स्लाइड प्रेजेंट करिए। थैंक यू प्रिया मैम। जैसे रुद्रम सर ने बहुत अच्छा कहा, अजय शास्त्री सर ने हमें प्लेटफॉर्म दिया, वी आर द रिसर्चर फॉर द वास्तु, वास्तु के ऊपर हम अच्छे खासे रिसर्च कर रहे हैं, और आप इस ओकल साइंस में जितना डीप जाते जाओगे आपको उतनी ही अच्छाई लगती जाएगी। आपके भाग्य में ऐसा हो कैसा हो, आपको जानने की हर एक बंदे को इच्छा रहती है, तो अगले लाइफ में, अगले स्टेप में हम क्या करें क्या ना करें, किस चीज से हम बचा जा सकता है किससे नहीं। आप एक चीज ये ध्यान रखना कि वास्तु एस्ट्रोलॉजी ये किसी का लेखा बदलने की विधा नहीं है, इससे सिर्फ लेखा पढ़ा जा सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बदला जा सकता है कि आपको चोट कहीं पर, अच्छा बड़ा एक्सीडेंट होना था वहां, लग लो समझ लो कि छोटी सी चोट लग के रह गई। आप ये नहीं कह सकते कि इससे हमारा लेखा जोखा बदल जाएगा,
लेकिन उस लेखा को सहने की हिम्मत आ जाती है आप में। आप ये मत समझना कि इससे हमारा लेखा बदला जाएगा। और हर चीज, हर एक चीज कार्मिक संबंध से डिपेंड होती है। हमारा और आपका एक कार्मिक संबंध है, तो आप आज यहाँ पर हो और इसी कार्मिक संबंध को आगे कैसे यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस संबंध को कैसा बना के लेके चलते हो, इससे कितना फायदा आप उठाते हो, यही मैं आपसे कहना चाहूँ। थैंक यू टू ऑल एवरीवन। और अब आगे स्लाइड्स मैम स्टार्ट कर दो। हाँ जी, राइट सर। सो वंस अगेन जय गुरु जी। आज हम एस्ट्रो वास्तु का वेबिनार कर रहे हैं और इस ओरेशन में मैं प्रिया ढांड और अरविंद मेरे साथ हैं। अरविंद स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइए प्लीज। ओके, यप, दैट्स इट। हर एक, एटलीस्ट मेरे को क्यूरियोसिटी रही थी और मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को इस क्यूरियोसिटी में रहती है कि वास्तु का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट पे बहुत मैंने इसको सर्व करने की कोशिश की थी, कहीं पे सिर्फ इतना ही लिखा था कि ये साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है। बट जिन गुरुओं से मैंने सीखा था उन्होंने मुझे एक स्टेप फॉरवर्ड इसकी क्लैरिटी दी थी कि वास्तु का फुल फॉर्म क्या होता है। आई एम श्योर आप लोग मेरे जैसे बहुत एजुकेटेड है अपनी इस ऑकुलट साइंस की फील्ड में, बट मैंने जो सीखा वो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। सो वास्तु, वी वेदिक, ए आर्किटेक्चर, एस स्ट्रक्चरल, टी टेक्निकल एंड यू अपलिफ्टमेंट। तो हमने अपनी सराउंडिंग्स को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी एनर्जीज सराउंडेड है, टेक्निकली उसको अपलिफ्ट कैसे किया जाए, ये हम वास्तु में सीखते हैं। अरविंद, नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज वास्तु शास्त्र? ये टर्म हम लोग सुनते बहुत है, बट ये वैदिक साइंस है जो एक्सप्लेन करता है कि आपके सराउंडिंग्स, जिस प्रिमाइसिस में आप रहते हैं या काम करते हैं, या वो आपका ऑफिस है या वो आपका घर है, वो कितना प्लेजेंट है। क्योंकि देखिए, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आएगा और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आएगा, बट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ज्यादा है जो हमें डिस्टर्ब करती है, या पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ज्यादा है जो हमें इनहेंस करती है? सो वास्तु शास्त्र इज बेसिकली अ वैदिक साइंस टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लेजेंट एंड डिस्ट्रेसिंग फ्रीक्वेंसीज जनरेटेड इन अ प्रिमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोबेबली ये किसी को इंटरेस्ट करेगा बट सबको नहीं, बट इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा बेसिक्स जान ले बिफोर वी स्टार्ट जंपिंग ऑन टू चार्ट्स जहां पर आप ज्यादा डिटेल में चीजें सीखें। व्हाट इज वास्तु? सो अगेन, आप एक चार दीवारी में रहते हैं, एक चार वॉल की एरिया में रहते हैं, आपकी छत है या नहीं है, बट वो जो चार दीवारी आप खड़ी करते हैं, दैट वॉल्स, उस वॉल के अंदर एक सेंटर ऑफ एनर्जी होता है, एक डेटी का प्रिमाइसिस होता है, ईश्वर का स्थान होता है, और यहाँ पर अगेन उसी को, वो एनर्जी लेवल्स को, चाहे वो प्लेजेंट है या डिस्ट्रेसिंग है, उसको समझना इज व्हाट इज ऑल अबाउट वास्तु। अरविंद जी, नेक्स्ट स्लाइड। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वास्तु क्या है, ये प्लीज समझिए, बिकॉज बहुतों को सिर्फ इतना लगता है कि वास्तु इज एलिमेंट वर्क। नहीं, वास्तु इज वे बियॉन्ड इट। एडवांटेज क्या है? अगर आप सही वास्तु वाली प्रिमाइसिस में रह रहे हैं, या आप सही वास्तु वाले ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके पास क्या क्या आता जाएगा इस प्रॉस्पेरिटी। आप अपनी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते जाएंगे सक्सेस की ओर पे। ऑब्स्टिकल्स, वो बम्प रोड्स, जैसे अरविंद जी ने बोला, कर्म के अनुसार जब हम पैदा होके आते हैं तो हम कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स साइड्स भी लेकर आते हैं, बट इसी पॉजिटिव्स को जो हमारी बर्थ चार्ट में होता है उसको सही यूटिलाइजेशन करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो वास्तु से हम लोग भी सीखते हैं। सो
वास्तु इज नॉट ओनली एलिमेंट्स बट इट इज वे बियॉन्ड थिंग्स दैट यू कैन सी इन एलिमेंट्स. तो यहाँ पर अगेन आप अपनी ऑब्स्टिकल्स को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या ऑब्स्टिकल्स को इजिली कैसे बेयर कर सकते हैं, ये एडवांटेज देगा वास्तु आपको. आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज लाएगा अगर वो राइट एरिया में आपकी प्लेसिंग्स हुई हुई है, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से सही पोजीशनिंग्स पे बैठी हुई है, आपको फेम एंड रिकग्निशन देगा. हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. पैसा कहीं से भी कमा लेंगे बट अगर वो पैसा हेल्थ में ही जा रहा है वो पैसा किसी काम का नहीं होगा. सो हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हमारी इम्यूनिटी बिल्ट रहे ये बहुत जरूरी है. रात की वो जो नींद है वो हमारे को पूरी तरह से मिले, हम रिफ्रेश होकर अगली मॉर्निंग में उठे, वो हमारी लाइफ का फर्स्ट स्टेप होता है. इंक्रीज कैश फ्लो एंड फाइनेंस. ऑब्वियसली अगर मेरे सारी चीजें बैलेंस्ड है इस चीज को कोई नहीं रोक पाएगा, वो कैश फ्लो आता जाएगा. मेरा शरीर ठीक है, मेरी नींद अच्छी है, मेरी इम्यूनिटी बिल्ड है, मेरा थॉट प्रोसेस ठीक है, मेरी एक्सरसाइज ठीक है, मेरा सोच ठीक रहेगी और वहां से मैं अपनी चीजों को फाइनेंशियली ग्रो कर सकता हूँ बाय टेकिंग प्रॉपर सपोर्ट. स्टडीज बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, एटलीस्ट हमारे पास बहुत आते हैं जहां पर बच्चे पढ़ते नहीं है. इट्स नॉट जस्ट द डायरेक्शन बट इट इज द कलर थेरेपी दैट ऑल्सो हेल्प्स. सो आप यहाँ से वास्तु से समझ सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे रिड्यूस करके मिटिगेट करके छोटा बनाना इज वॉट यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू वास्तु. बैलेंस्ड माइंड जो आपको रिफ्रेश रखेगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आएगा और आपको तरक्की और ग्रोथ पे लेकर जाएगा. स्ट्रेंथन फैमिली बॉन्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. हेल्थ ठीक रहे, फैमिली इकट्ठी रहे, इंसान खुश रहता है, पैसा ऑटोमेटिकली उस खुश फैमिली के थ्रू ही आता है. डिसएडवांटेज क्या होगा अगर वो नॉन वास्तु नॉन कंप्लायंट एरिया है, हमारा घर हो या ऑफिस. हेल्थ प्रॉब्लम्स तो दिखेंगी दिखेंगी, उसके अलावा एंजाइटी और डिप्रेशन और कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज ऐसी हम पालेंगे जो हमारा पैसा का फ्लो आउट बाहर लेकर जाएगी. सो व्हाट गेट्स दैट, ब्लॉक पेमेंट्स होंगी, कैश फ्लो कम आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज रह जाएंगी, आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करेंगे, आप अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि मुझे सेविंग करनी है बट नहीं कर पाएंगे, बिजनेसेस में लॉस आ जाएगा. बाकी जो अदर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं जो चलते हैं वो ऑब्वियसली चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज, आपकी मैरिड लाइफ इश्यूज, आपके फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स जो होना, सडनली आप लोगों का गिर जाना, हड्डी टूटना, ये सब उस वास्तु के डिसएडवांटेज वाले निशानियां हैं. मैं यहाँ पर अरविंद आपको हैंड ओवर करूंगी बिकॉज मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि हम आगे इसे प्रेजेंट करने से पहले, अपनी बेसिक वास्तु को बताने से पहले, एक क्विकली रैंडमली आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी ऑडियंस में से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आप ले और हम वहां से किसी को कुछ डिटेल बताए. वेबिनार्स तो सब करते हैं बट इसको एक स्पेशल टच दिया जाए. आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइमिंग और लगी लगेगा कि नहीं लगेगा? मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें चाहिए बट वो अरविंद को मैंने हैंड ओवर किया कि वो रैंडमली किसी का पिकअप करे. तो रैंडमली पिक करना, एक मिनट रुक जाइए. हाँ जी. जिसके पास उसकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइमिंग एक्यूरेट होगा वही हैंड रेस कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ गलत है तो एक्यूरेसी पूरी खत्म हो जाती है. तीन चीज जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइमिंग. ये आपको एक्यूरेट हुआ तो आप हैंड रेस कर सकते हैं. उसमें से हमारे अरविंद जी किसी एक लोगों को अभी चुनेंगे, उसके बाद चार पांच लोगों का और लेंगे बाद में. तो पहले कोई भी एक आदमी को अरविंद जी आप चुन सकते हो अभी. टाइम ऑफ बर्थ हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर नक्षत्र बदलता है तो ध्यान रखिएगा बहुत सारी चीजें बदल जाती है. सर आप उन्हें अनम्यूट कर सकते हैं, आपको होस्ट हैं, अगर आपको कोई दिख रहे हैं तो आपको. नमस्ते सर. नमस्ते मैम. वेरी गुड इवनिंग. जय गुरु जी. मैम माई डी ओ पी इज 29 June 2003. एक मिनट रुको, मैं डायरेक्ट ही सॉफ्टवेयर में डाल देंगे. धीरे 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 धीरे, बहुत टाइम आपके पास. ये आवाज किसके पीछे से आ रही है पुरुषोत्तम जी? हाँ, सुमति दानी जी के यहाँ से आ रही है. सर टू मिनट सर, मैं डोर क्लोज. आप डेट और बता के जाइए फिर आप. हाँ सर, 29 June 2003.
एक मिनट अरविंद जी पूछेंगे। नाइन जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ सुमति? हुबली कर्नाटका। हिंदी बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू सर, मुझे कन्नड़ा ही नहीं आती सर, वही प्रॉब्लम है। गुड है, हमारे लिए तो अच्छा, हमको हिंदी बोलना है तो बाकी इसमें कम ज्यादा हो जाता है। जी सर, कोई और बताओ मैम, ये तो सॉफ्टवेयर पे आ नहीं रहा। आप कर्नाटका लिख दो, एक सेकंड सुमति, आप कर्नाटका लिख दो। आसपास की बड़ी सिटी कौन सी बता दो, नहीं तो हुबली धारवाड़ ट्विन सिटी है सर, अगर हुबली नहीं तो धारवाड़ लिख सकते हैं सर। हुबली की स्पेलिंग बोलना कहीं कुछ, मैंने वो कुछ एच यू सर, कभी कभी सॉफ्टवेयर में एच यू बी एल आई होता है सर, कभी कभी एच यू बी बी ए एल आई होता है सर। आप पिन कोड बोल सकते हो क्या उसका? हाँ सर, 5800 5800 28 आई गेस 28 या फिर 29। हुबली पिन कोड हाँ बेंगलुरु होगा। बेंगलुरु थोड़ा सा दूर हो जाता है, पड़ता है। But it is within Karnataka. 5800 29 भी आ रहा है, 28 भी आ रहा है, क्योंकि बड़ी जगह है ना तो बहुत सारे आ रहे हैं। 5800 29 भी आ रहा है सर। आप फिर से बोलो सुमति धानी, डेट ऑफ बर्थ बोलो आपकी एक बार फिर से। 29 June 2003 Yes sir. 11/2 सुमति, इज दिस करेक्ट? इट्स हुबली बनकापुर। हाँ यस, इट्स ओके मैम। इट्स ओके, ओके। यस मैम, आपका कोई क्वेश्चन बताइए आप। मैडम नॉइस बहुत आ रही है आपके यहाँ से। यस वेरी सॉरी, जस्ट सेकंड, अभी देखिए सर। आपका कोई क्वेश्चन बताइए आप। लाइक कैसी वाली क्वेश्चन बोलूं? एनी क्वेश्चन, जो भी आपके मन में आ रहा हो एक क्वेश्चन सर से पूछिए। लाइक फैमिली रिलेटेड या फिर हेल्थ रिलेटेड सर? आप फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। फैमिली रिलेटेड, मेरी डैड के साथ ज्यादा बनती नहीं है मैम, घर पे हिचकिच होती रहती है पापा के साथ। वो दिख रहा है। ओके आप इनको उसको कंफर्म करके उसके बाद इनको एक रेमेडी सॉल्यूशन एलिमेंट का दे दीजिए प्लीज। किसी ने कैट आई की रिंग पहनने के लिए बोला था, शायद मम्मी के लिए, तो मम्मा ने मेरे को भी पहनाया था और डैड को भी, तो ये पहनती हूँ मैम, ये रेमेडी ऑलरेडी है। देखिए देखिए बात बताता हूँ मैं आपको, बात जी सर, अकेली वास्तु भी कुछ नहीं कर सकती, अकेले रेमेडी भी कुछ नहीं कर सकती। आप देखो आपके 8th नंबर राशि जो उसकी डायरेक्शन होती है साउथ साउथ वेस्ट होती है, वहां पर आपने कोई भी दो कलर की चीजें रखी हुई होंगी। कौन सी कलर की सर? दो कलर की कोई भी चीजें होंगी मैम। ओके, दो कलर की कोई भी चीजें होंगी या दो फोटोग्राफ एक जैसे कलर के होंगे, आप उसको वहां से शिफ्ट कर देना, आपके पापा के साथ बननी स्टार्ट हो जाएगी। जी सर, कौन सी डायरेक्शन की सर? साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आप कोई भी वहां पर दो कलर की चीजें हो उनको शिफ्ट कर देना वहां से, या फिर आप वहां पे दो
एक जैसी दो फोटो लगा रखी हो या कोई भी जोड़े में पेयर में कोई सामान रख रखा होगा, आप वहां से उनको हटा दो, या आपने शो पीस में वहां पर डॉग्स लगा रखे होंगे, अकेला डॉग मिलेगा या दो डॉग मिल जाएंगे, तीन नहीं होंगे, वो वहां से उनको हटा देना होगा। जी सर, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके पापा के साथ बनने लग जाएंगे। जी सर, ठीक है, आपकी शादी हो गई? नहीं सर, अभी तक अभी नहीं हुई है। तो आप अपने लिए लड़का ढूंढो, तो वो कोई एडवोकेट ढूंढना या सीए ढूंढना, ठीक है, ये हमारी तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, वो ढूंढोगे तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी, नहीं ढूंढोगे ऐसा तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। ठीक है जी सर, मम्मी को उसी की चिंता रहती है सर यूजुअली, तो मम्मी यूजुअली देखो मैंने आपके मन की बात बता दी, आप ढूंढो तो ऐसा लड़का ढूंढना, बोल देना अपने पापा से, या तो सीए हो, एडवोकेट हो, ठीक है, या फिर जी सर आर्मी में अच्छी पोस्ट के ऊपर। जी सर, ठीक है, बट सुमिति फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने फादर के साथ जो आप पूरा रिलेशनशिप करनी है मेंटेन, उसके लिए जो उन्होंने पोजीशन दिखाई है वहां से वो सामान हटा दीजिए, आपके ठीक हो जाएगा। जी, मेरे मेरे एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी, इसके इसके बाद में पीछे बहुत वाइब्रेशन आते हैं, लोगों को समझा नहीं हुआ प्रॉपरली के पीछे से, तो किसी एक को अगर आप अनम्यूट कर पाओ 2 मिनट के लिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सर क्या है? मतलब कि सुमति मैम के पीछे से बहुत आवाज ज्यादा आ रही है, राइट? हाँ, तो अभी दूसरों को पहचानते थे कि तुमको समझ में आएगा आपको क्या बोलना है। हाँ, और एक आपका ले सकोगे लाइव में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर, एक और लाइव ले लीजिए। ठीक है, डाकर जी आप चॉइस कर सकते हो, आप प्रिया जी आप कर लो अभी। आदेश चैन सर? नहीं सर, हम चॉइस नहीं करते, सब लोग हमको पहचानते हैं। आदेश जैन जी आप प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए। 22/12/1986 ना स्पीड से नहीं सर, 22/12/1986 टाइम बोलो सर। 12:02 AM हो गया, मतलब एक्चुअल में 21 रात को 12:02 तो 22 सुबह हो गया। प्लेस बोलो सर। कोलकाता। अरविंद, मैं चाहूंगी कि हम आदेश सर को कोई ऐसी चीज उनके आप प्लैनेट का देख के पोजीशन देख के उनको पहले ही बता दीजिए कि कौन सी चीज उन्होंने किस जगह पे रखी हुई जो उनको हटानी चाहिए, नेगेटिव हेड दे रही है। अगर आप उनके कस्पल चार्ट पे चले जाएं और वो उनको बता दीजिए पहले, बिफोर हम उनका एक क्वेश्चन आंसर करें, सो दैट वो भी एक चीज हम कवर कर सके। सर आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो भी सफेद चीजें हैं ना, आप उनको हटा देना। नॉर्थ डायरेक्शन से? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कोई भी सफेद चीज? हाँ, सफेद चीज, चंद्रमा का कोई भी सामान है, मून का, सफेद चावल रखे हो, वाटर आया हुआ हो, वहां पर पानी आया हुआ हो, वो सारी चीजें हटा देना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टेम्पल बनाया हुआ है, वो तो व्हाइट मतलब उसमें है सर, आप उसका कलर चेंज करो। अच्छा जी। हाँ सर, आप उसका कलर चेंज करो, व्हाइट के बजाय वहां पर क्रीम कलर यूज करो, आप आपके काम हो जाएंगे। ठीक है आदेश जी, आपका कोई क्वेश्चन? जी फैमिली रिलेटेड भी है और बिजनेस रिलेटेड भी है। आप एक क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं प्लीज। एक क्वेश्चन सर, वो एक ही क्वेश्चन है, मतलब जॉइंट फैमिली बिजनेस है तो उससे रिलेटेड है कि जैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है तो उसकी वजह से कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, तो सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए क्या करना चाहिए?
आप कैसे ही मुसीबत आओ अपने आप निकल जाते हो, कोई ना कोई आपको डिवाइन सपोर्ट मिल जाती है, फिर भी आप ईस्ट डायरेक्शन से सर आप वहां पे जो भी हैंड पार्ट्स रखे हो वो हटा देना, डिपेंडेंसी भी हटने लग जाएगी। क्या हटा दे सर? तो वाले सर वाले हिस्से, हैंड पार्ट्स, टूटा हुआ सामान है, वायर्स वगैरह रखी है, पुराना सामान कुछ रखा होगा, या ऐसी कोई बुद्धा की ऐसी पिक लगा रखी होगी जिसमें केवल हेड हेड दिखाई देगा, आप उनको हटा देना पूर्व दिशा से, ठीक है? आपकी फैमिली के साथ, हाँ फैमिली के साथ अच्छे से रिलेशनशिप बन जाएगी आपकी। ओके सर। थैंक यू अरविंद जी, बैक टू द स्लाइड्स प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए हमारे को बेसिक वास्तु आती होगी, बट क्या हम बेसिक वास्तु सिर्फ वेबिनार से सीख रहे हैं, या हम बेसिक वास्तु को जैसे हमने अभी आंसर किए, ये एक्चुअली हमने दो चीजें कनेक्ट करी, पत्री विद वास्तु। बेसिक वास्तु भी पत्री से कनेक्ट करें तो अच्छा है। सो यहाँ पर हम फोर बेसिक जोन्स के बारे में बात करते हैं जो सबको मालूम है। यही फोर जोन्स 16 जोन्स में हुए, और अभी हमने किसी को नॉर्थ ईस्ट बोला या किसी को साउथ वेस्ट बोला, उन्हीं जोन्स को डिवाइड करके बोला। इन जोन्स में नॉर्थ में हम सबको मालूम होगा, कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि ये किताबों में भी लिखा है, प्रैक्टिकली हम सब ने पढ़ा होगा, वेबिनार्स में सुना होगा कि नॉर्थ से फाइनेंशियल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी आती है। बट ये जरूरी नहीं है कि सबकी पत्री में उस हिसाब से हो, इट चेंजेस। सो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप अपनी तरफ से कोई भी रेमेडियल पार्ट स्पेशली वास्तु का बगैर उसको सोचे समझे, इनकम्प्लीट नॉलेज से मत प्लेस करा करिए, बिकॉज इट कैन गिव यू एडवर्स रिजल्ट्स आल्सो। ईस्ट सोशल एक्टिविटी का जोन है, साउथ नेम एंड फेम है, वेस्ट गेन्स का जोन है। अगेन हम इधर ही आकर जब हमारा टाइम सही या गलत जो भी आता है, हम इसी जगह पे जाकर अपनी कलर की प्लेसमेंट्स करते हैं, अपनी चाहे हम उसको आर्टिकल्स के फॉर्म में बोले, मेटल्स के फॉर्म में बोले, कलर्स के फॉर्म में बोले, हम जाकर खुद ही प्लेस करते हैं। जब वो नेगेटिव टाइम आता है वो हमारे को नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, पॉजिटिव टाइम आएगा वो हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। सो सडनली आप बोलोगे मैंने नॉर्थ में एक ब्लू कलर की बॉटल पे एक मनी प्लांट लगाया, ओ मुझे मनी एंड ग्रोथ आनी शुरू हो गई, वेरी गुड, दैट्स द बेसिक नॉलेज। सो बेसिक नॉलेज भी पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है। मैं तीन क्विक क्वेश्चंस यहाँ पे पूछना चाहूंगी, एंड आई एम श्योर जितने लोगों ने बेसिक किया होगा उन लोगों को तो इसका आंसर आना ही चाहिए, बट दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी दीजिएगा कि इसका आंसर दे सके। सो इफ यू हैव अ लैपटॉप, अ म्यूजिक सिस्टम या आपका मोबाइल का चार्जर एक साउथ वेस्ट जोन में अगर पड़ा होगा, तो जो उस घर का नेटिव होगा वो क्या फेस करेगा? अरविंद जी जो हैंड रेस कर रहे ना, उनमें से प्लीज किसी एक को अनम्यूट कर दीजिए, वी वांट टू हियर कि इसके लिए क्या आंसर दिया जा रहा है। आप रैंडमली अनम्यूट कर दीजिए। इना जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Yes, sir. आप बताइए नीना जी कि अगर हम एक लैपटॉप, म्यूजिक सिस्टम, एक चार्जर, मोबाइल हॉटस्पॉट, सारी चीजें एक जगह पे रखेंगे साउथ वेस्ट जोन में, तो नेटिव क्या फेस करेगा? वो बिगड़ जाएगा, शायद खराब हो जाएगा। कौन बिगड़ेगा? यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक बिगड़ेगा। ओके थैंक्स नीना जी। एक और जना आप अनम्यूट करिए अरविंद जी, आई वांट टू हियर कि एक और पार्टिसिपेंट बताएं कि अगर ये चीजें पड़ी होंगी साउथ वेस्ट जोन में तो क्या होगा। अमित जी आप अनम्यूट कीजिए। मैम कोई नहीं कर रहा, चलिए कोई नहीं। हाँ जी मैम, नीलम मैम सबसे पहले आप बता देता हूँ आपको एक बात, आपका सूर्य बहुत कमजोर है, आपके मुंह में बहुत लार बनती होंगी, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। आप जिन लोगों का कैमरा ऑफ है उनका सूर्य कमजोर होता चला जाता है और उनकी गवर्नमेंट से दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, आप कभी भी देख लेना। हाँ जी हेलो
ये सबको एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए। ये हमारी रिसर्च भी बोलाती है कि अगर कैमरा ऑफ करके आप अपने आप को फेस फ्रंट नहीं लेके आते, आप अपना सूर्य को नीचे करते हुए जा रहे हैं। हाँ जी मैम, मैं बता रही हूँ मैम। हाँ जी बताइए मैम। जी रिलेशनशिप खराब होता है मैडम। ओके, किसके बीच में? आप हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? मैम फैमिली रिलेशन कोई भी हो, किसी का भी रिलेशन खराब हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स में और किसी का भी हो सकता है। अगर घर के साउथ वेस्ट में ये जो सामान आपने बोला है अगर ये एक साथ रखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू नीलम जी। अरविंद जी आप मुझे हेल्प करिएगा, मैं आंसर देने जा रही हूँ और आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सो अगर आपके साउथ वेस्ट बैकग्राउंड से आवाज किसके आ रही है, बंद करो। जिनको अनम्यूट किया था सर उन्हीं की आ रही है, म्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, जिसके भी साउथ वेस्ट जोन में आपको ये सामान दिखेगा, अगर उनके घर पे बच्चे होंगे तो ध्यान रखिएगा। और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज देखना कि ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके बच्चे टीवी में म्यूजिक सिस्टम के साथ गाने बजाने में वो पढ़ाई छोड़कर यही चीजें देख रहे होंगे। वो लैपटॉप देखेंगे, वो मोबाइल देखेंगे, वो म्यूजिक सुनेंगे, वो डांस करेंगे, बट वो पढ़ाई छोड़ रहे होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऐसा देखे कि आपके साउथ वेस्ट जोन में ये है और आपका बच्चा ये चीज कर रहा है, आप प्लीज वहां से ये सामान हटवा दीजिए, एंड दैट वुड बी गुड फॉर योर चिल्ड्रन ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए मैं नहीं अनम्यूट करूंगी बिकॉज थोड़ा सा टाइम निकलता है अनम्यूट करने में और बैकग्राउंड नॉइज में। इफ आपका कोई भी देवता की तस्वीर साउथ वेस्ट जोन में होगी तो नेटिव क्या फेस करेगा? अरविंद जी आप इसका आंसर प्लीज बताइए। जब देवताओं की फोटो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाती है तो वहां पर मैरिज प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। जिनके बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, जिनकी शादी करनी है अभी, तो उनकी शादी होने में दिक्कत आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है देवताओं की फोटो वहां पर होने से। दूसरा, वहां वो पितर स्थान होता है तो देवता वहां पे चले जाएंगे तो पितर नाराज हो जाते हैं, यूं भी बोला जाता है। थैंक यू। वहां पे देवताओं की फोटो नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर किसी के घर पे उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो प्लीज अपना ये स्थान चेक करिए कि क्या आपने कोई भी देवता की फोटो वहां पर लगाई दी है। अगर है तो प्लीज उसको वहां से मूव करके कोई अच्छी जगह और लगा दीजिए। एक मिनट प्रिया मैम। हाँ जी। यदि आप किसी लड़की है और आप उसका रिश्ता देखने के लिए जा रहे हो तो केवल जाओ उस टाइम के ऊपर गणेश भगवान की फोटो लगाना और आते ही उसको हटा देना, नहीं तो वो दिक्कत देगी। यदि जाते वक्त रख गए और आते ही हटा दिया तो रिश्ता उस बेटी का वो कन्फर्म हो जाएगा। ये भी इसकी एक रेमेडी है। थैंक यू अरविंद जी, आज आपके मन से ना बहुत सारी रेमेडीज निकल रही हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप कोई भी प्लांट्स ज्यादा वेस्ट जोन में रखते हैं तो प्लीज ये याद रखिएगा जो आपने बेसिक में सीखा है गेन्स एंड प्रॉफिट्स, वो सारी स्लो हो जाती है बिकॉज आप उस एरिया में जाकर प्लांटर्स डालेंगे तो वो रुकावट पैदा करेगी। ये बेसिक था, बहुत बड़ी चीज नहीं थी, ये बहुत जगह आपको इन्फॉर्मेशन ये वाली मिल भी जाएगी। आई होप ये तीन क्वेश्चंस में एटलीस्ट दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको हेल्प करेंगे आपके घर पे कोई भी ऐसे इश्यूज को चेंज करने के लिए। और लास्ट वाला कॉमन था, इसीलिए वो पर्पस था ये बताने का कि जब भी आप बेसिक कोर्स करते हैं या बेसिक कोर्स किया है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्शन रखिए पत्रियों के साथ भी सीखना, बिकॉज वहां से जाकर आप जो अपना सक्सेस स्टेप्स है वो ऊपर ले सकते हैं, अपनी रिसर्च को बढ़ा सकते हैं। अरविंद जी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो हमारा एम है कि हमारे को क्वालिटी रिसर्चर्स बनाने ही बनाने हैं और अपनी टीम में ऐड करते ही जाना है। ऑब्वियसली इसमें हमारे को ये समझ आती है कि बहुत सारे लोग वेबिनार्स के थ्रू वो बेसिक कोर्स कर जाते हैं और दूसरी ओर से करते हैं, बट वॉट वी आर डूइंग इज वी आर वॉन्टिंग टू गिव यू मोर, मोर इज आर एजुकेशन, वी वॉन्ट टू टेक लेस, लेस इज द फीस। सो अगर आप वास्तु फाउंडेशन
अरविंद और मेरे साथ करना चाहते हैं डिटेल में, क्योंकि हम हाई लेवल का नहीं कराते, अगर आप करना चाहते हैं आप ये जरूर समझिएगा कि इस कोर्स के एंड में आप एक्यूरेट डिग्री निकालना सीख जाएंगे अपने हाउस चाहे दूसरों का हाउस, बिकॉज हम तो आपको कंसल्टेंट कोच बनाकर ही यहाँ पे छोड़ेंगे एंड ऑफिस का। आपको हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग देंगे कि वो 5 एलिमेंट्स की राइट प्लेसमेंट्स किस हिसाब से करनी चाहिए। आपको डिस्ट्रक्टिव साइकिल की स्टडी क्लियर बताई जाएगी, सो दैट आप गलती ना करें, गलती से भी गलती ना करें कुछ और प्लेसमेंट करने की। अधूरी नॉलेज बहुत गलत होती है। आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी वो 32 एंट्रेंसेस की अलोंग विद द रेमेडीज, बेडरूम की एनर्जी इफेक्ट अलोंग विद द रेमेडीज, किचन जोन क्या अलोंग विद द रेमेडीज, टॉयलेट क्या अलोंग विद द रेमेडीज, आप ऑब्जेक्ट्स जो यूज करते हैं, हम सबको शौक है शो पीसेस लेने का, घड़ियां लेने का, बट कई बारी हम कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी शेप के हिसाब से कहीं पे भी जाकर प्लेस करते हैं और नहीं रियलाइज करते कि इवन नॉन लिविंग आर्टिकल्स गिव अस एनर्जी, सो वो भी हमारे को रेसिप्रोकेट करके वो एनर्जी लेवल्स वेदर पॉजिटिव और डिस्ट्रप्टिव इट विल कम बैक टू यू। हम आपको कट एंड एक्सटेंडेड जोन्स की रेमेडीज देंगे इस कोर्स में, जो यूजुअली नॉर्मली बेसिक फाउंडेशंस में नहीं कवर की जाती। आपको लगन बेस्ड चार्ट, जो आपका खुद का लगन होगा या किसी का भी आप देख रहे होंगे, लगन बेस्ड से आप हाउस की एंट्रेंस को कैसे ठीक कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, आपको ये भी कराया जाएगा। लास्ट बट द लीस्ट, आप जो 16 जोन सीखते हैं उसकी डिटेल्ड आपको नॉलेज होगी और सारी इफेक्टिव रेमेडीज आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके बाद एटलीस्ट आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे किसी वेबिनार में सिर्फ फाउंडेशन का कोर्स सीखने जाना है, आप आगे का स्टेप लेना शुरू करेंगे। गुड न्यूज ये है कि ये वाली क्लासेस बहुत जल्दी शुरू हो रही है और हम ये सारा कंटेंट 5 क्लासेस में खत्म करेंगे। लोगों को प्रॉब्लम ना आए इसलिए हमने फ्राइडे सैटरडे एंड संडे के डेज चूज किए कि सबको इजी रहे, और सब्सिक्वेंटली हम ये कोर्स जल्दी खत्म करना चाहते हैं बिकॉज हमारा फ्रेमवर्क थोड़ा सा बड़ा है। अरविंद जी, मैं यहाँ पर पॉज लूंगी और आपको बोलूंगी कि अब आप अगेन ऑडियंस में से किसी एक जने का फिर दोबारा कोई चार्ट उठाएं, एंड मैं बहुत कीन हूँ कि हम थोड़ा सा एस्ट्रो वास्तु के बारे में किसी को उनकी डिटेलिंग दे, हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछने पहले हम थोड़ी सी डिटेलिंग दे और उसके बाद हम उनको रेमेडी भी दे दे। प्रिया जी, आज अभी एक को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। हाँ जी प्लीज। आपको शायद एक साल पहले मैंने किसी आदमी का आपको एक डाटा भेजा था, आपको भी टाइम नहीं मिला, मुझे भी टाइम नहीं मिला, आज अभी वेबिनार में वो आदमी है तो इसका एक उत्तर हटा लीजिए। मुझे नाम से याद आ गया, आ गया ना, बिल्कुल पुरुषोत्तम उत्कर्ष वटानी करके कोई होगा। पुरुषोत्तम जी एक मिनट सर, मैं सारे हैंड लोअर कर देता हूँ। उत्कर्ष जी प्लीज हैंड रेस करें। नीना मैम प्लीज हैंड डाउन करें आप। उत्कर्ष वसानी जी अगर आप हैं तो प्लीज आप हैंड रेस कर लीजिए। ऐसा लगता है आदमी का नसीब में नहीं, ऐसा लग रहा प्रिया। उत्कर्ष जी एक मिनट सर मैं देख लेता हूँ फिर। यूटी हाँ हाँ मिल गया उत्कल वासने जी। सर प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते सर, ओम साई राम। नमस्ते ओम साई राम। साल भर पहले आपने मुझे मैसेज किया था, याद है आपको इसके लिए? यस सर मैंने आपको बोला था मेरे एक अच्छी फ्रेंड है उनको आपको पूछ के बताऊंगा। यस सर, उनको मैसेज किया था लेकिन उनको टाइम मिला नहीं, मुझे टाइम मिला, तो आज आपके नसीब में था तो आज आप लाइव ही देख लो फिर। बिल्कुल सर, यस सर। डिटेल बताइए, नाम बोलना सर अपना। सर मेरा नाम, पूरा नाम है उत्कर्ष वाटाने। सर डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 3 November 1989। टाइम बोलिए सर। 3:12। एम है सर? ये दोपहर का है। पीएम है। पीएम है। यस सर। प्लेस बोलिए। प्लेस बोलना सर। यवतमाल महाराष्ट्र। कौन सा सर? यवतमाल।
YAVATMAL YAVATMAL इसके बारे में आप अपनी तरफ से कुछ बता दीजिए, यानी अब लोगों को भी समझ में आएगा क्या क्या बता सकते हैं, पहले बाद में फिर उनका सवाल लेने लगे तो आपको कुछ लगेगा तो सर आपके मकान का गेट बिल्कुल अच्छे से महंगे वाला गेट लगा हुआ है क्या? आपके मकान के मेन एंट्रेंस है जो अच्छे से सजा रखा है? फ्लैट सिस्टम है सर हमारा, और अरविंद मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, इनके घर के द्वार पे कोई ना कोई सफेद चीज या सिल्वर आर्टिकल लगी हुई है। दरवाजे के द्वार जो आप इनका दरवाजा है मेन गेट पे सर, आप अपने दरवाजे पे देखिए, आपने कोई ना कोई सफेद चीज डाल रखी है। ओके ओके, टांगी होगी, प्लीज उसको इमीडिएटली हटा दीजिए, बिकॉज वो आपके घर पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। एक्चुअली मैडम कैसा है कि दो घर है टोटल हमारे, दो हाउसेस है, ज्यादातर हम थोड़ा मतलब मेन चीज है मेरे जो मेरे नाम पे है उस पे नहीं रहते हैं, हम दूसरे हाउस पे रहते हैं। तो एक्चुअली जो मेरा खुद का घर है उसका मैं चीज देखूं कि जो मैं करंटली वहां पे सर, रहे आप जहां आप पर में रह, आप रहे रह रहे हैं उस घर को देखिए सर, वास्तु उस घर पे काम करता है। ओके सर, आप जहां नहीं रह रहे वहां पे वास्तु काम नहीं करता सर। अभी आप देखिए, आप उसको वहां पे सिल्वर कलर या व्हाइट कलर में कोई चीज है वहां उस गेट के आसपास जो भी है, चांदी की कोई तार वगैरह आपने दबा रखा हो उसको जाकर के हटा देना, निकाल देना। ओके सर, ओके। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, क्या आपको कभी भी ये लगा है, एंड सॉरी अरविंद जी मैंने लीड ले ली यहाँ पे, आपको कभी भी ऐसा लगा है कि नौकरी एकदम से चली जाती है? नहीं मैडम, एकदम से हट जाता है नहीं मेरा, कैसे मैं गवर्नमेंट बैंकर हूँ तो ऐसा कुछ नौकरी में एकदम से ऐसा कहीं लगा नहीं मुझे कभी। ओके, थोड़ा सा अपने एनिमीज से ध्यान रखिएगा, बिकॉज आपके पीछे कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर आपको नजर आएगा, और अगर नजर नहीं आ रहा तो प्लीज ध्यान में दीजिएगा, जिसके डार्क रंग के लिप्स होंगे, वो स्मोक करता होगा, और पेपर वर्क में बस आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज जॉब एरिया में दिख रहा है कि कोई ना कोई आपके सराउंडिंग्स में ऐसा कोई है जो आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जब वक्त आएगा तो वो प्ले होगा, तो आप पहले ही वॉर्न कर रही हूँ आप। यस मैडम, यस मैडम। इनकी शादी का थोड़ा बता सकते हैं क्या, थोड़ा शादी के बारे में? शादी में रुकावट तो दिख रही है, बट अरविंद इनका आप डिटेल चेक करो। शादी के लिए आए थे वो तो आप ही बता दो मुझे, ज्यादा अच्छा लगा। क्या प्रॉब्लम है थोड़ा मैं इनके बारे में बता दूं कि आप, इनकी ऑलरेडी शादी हो गई थी लेकिन दो साल पहले, शायद एक दो साल पहले डाइवोर्स हुआ है, तो अभी दूसरे को ट्राई करे तो उसके लिए मैंने आपको मैसेज किया था फिर। अच्छा ठीक है, इसमें कोई वास्तु दोष होगा ऐसा बता सकते हो तो बता दीजिए कुछ होगा तो। अरविंद आप ऐड करना, वीनस मर्करी की युति है तो ये चीज होती है उसमें, और बाकी आप मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ट्रांजिट चार्ट देखकर आप अगर बता दे तो। सर अभी नहीं होगी शादी, टाइम लग सकता है सर। हाँ टाइम लगेगा सर, इसके लिए आपको मतलब काफी डिटेलिंग करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। आप लाइव वेबिनार में थोड़े टाइम के लिए आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आपको बता देंगे, आप सर से कांटेक्ट कर लेना,
बिल्कुल सर, ठीक है, तो मैं आपकी वटानी जी पत्र सेव कर रहा हूँ, आप सर से कॉन्टेक्ट कर लेना उस पे थोड़ी सी। देयर आर फ्यू थिंग्स जो हम लाइव वेबिनार में नहीं डिस्कस करते और सही भी नहीं है, सो आपके चार्ट से कुछ डिटेलिंग नजर आ रही है, इसीलिए अरविंद जी ने ये बोला कि आप सेपरेटली कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। नो इश्यू मैडम, थैंक यू। राइट रेमेडीज देखकर आपका काम हो वो बेटर है। यस मैडम, यस मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैडम। अजय जी आप किसी और का चार्ट लगाना चाहेंगे बिफोर हम प्रोसीड करें, क्योंकि ये वाले चार्ट पे तो ऐसी डिटेलिंग हम बात नहीं कर पाएंगे लाइव वेबिनार पे। आप लीजिए, आप इसको भी ले सकते हैं, मुझे याद आ गया इसके बताया मैंने आपको। अच्छा ठीक है, आप एक दो चार्ट और ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है अरविंद जी, एक और ले लीजिए कोई भी। जसवीर कौर मैम, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। गुड इवनिंग सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। मैम आप सर डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27 जून 1981। टाइम बोलिए मैम। 11:55 मॉर्निंग। प्लेस इज बेंगलोर कर्नाटका। अजय जी आज वेबिनार पे आने से पहले अरविंद जी पे बात ही कर रहे थे और वहां पर हमारे आ रहा था कि हमारे पास साउथ से लोग आएंगे और हम भी जो उठा रहे हैं कहीं साउथ से ही सबके उठा रहे हैं, नॉर्थ से कोई उठ ही नहीं रहा है। मैम नो, एक्चुअली आई एम नाउ फ्रॉम जलंधर पंजाब। वो हम लोग तो भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास पत्री वो आएगी आज। ओके ओके मैम, स्पेलिंग बोलना। आप बेंगलोर में ही हुए थे क्या? हाँ जी, मैं बेंगलोर में हुई थी। हाँ जी, BANGALORE सिंगल जी। अच्छा डबल आ गया क्या? अरविंद जी इनको एक वास्तु की रेमेडी दीजिएगा जो मुझे दिखा है। मैम आपके मैम आपके पास पैसा बहुत छोटा छोटा करके जुड़ता है क्या? पर्सनली मेरा? हाँ जैसे भी आप जोड़ते हो तो आपकी पत्री तो आप ही बताओगे ना, बिल्कुल छोटा छोटा करके। और फिर और वो पैसा खर्च होता है या तो अपनी सास के ऊपर खर्च करते हो या माँ के ऊपर करते हो या फिर आपकी कोई भाभी है या कोई कुछ होगा उन्हीं पे खर्च में? नहीं सर, वो मैं अपने आप पे खर्च करती हूँ। वो आप देखो, वीनस है, आप पे खर्च होगा, आपकी माँ पे होगा या आपकी सास पे होगा, होगा इन्हीं पे खर्च। ओके सर, मम्मा तो है नहीं। मम्मा तो, नहीं है तो हाँ। आप पे ही होगा ऑब्वियसली, वो नहीं है तो। हाँ जी, हाँ जी, अपने पे ही करती हूँ। आपके अपने बिल्कुल छोटा छोटा पैसा जोड़ते हो आप और वो ऐसा ही जुड़ेगा। ओके ठीक है, आप कोई क्वेश्चन पूछ लो। आपको एक क्वेश्चन पूछना आप वो बता दो। हाँ जी सर, बाहर सेटल होने का मन है तो उसके बारे में अगर बता दी तो ज्यादा बेटर है। बाहर सेटल होने का मन है आपका? हाँ जी। पिछले साल आपके पास ऑफर आई थी ना मैम, आप गए क्यों नहीं? नहीं सर, ऑफर नहीं आई नहीं, ऐसे तो काम हो जाता। नहीं सर, ऐसे ऑफर तो आई नहीं, कोई ट्राई कर रहे हैं बट अभी ऐसे ऑफर चल रही है अभी आई नहीं है। तो आप यू लगा लो अगले साल आप कंफर्म से हो जाओगे।
नेक्स्ट ईयर अरविंद तो कलर थेरेपी दे दीजिए वो कलर थेरेपी दे रहे हैं मैम आप है ना येलो कलर का टिक्का लगाना डेली ठीक है सर उतरने मत देना उसको हाँ केसर अरे आप तो लेडीज हो येलो कलर की बिंदी लगा लो बस ओके उससे पहले क्या कह रहे थे सर आप केसर भी लगा सकते हो केसर भी लगा सकते हो हल्दी भी लगा सकते हो पीला होना चाहिए बस ठीक है सर ठीक है अरविंद जी एक नेगेटिव हिट मुझे नजर आया था अगर आप उनको वो बोल दे वो कलर को अवॉइड करने के लिए नहीं मैम बस दो क्वेश्चन हो गए ठीक है कह दीजिए सर आप वो कलर अरे बस मैम चलिए चलो ठीक है थैंक यू सर यू वेलकम जय गुरु जी जय आपका मेन क्वेश्चन था मैम वो आपका हो जाएगा ठीक है सर थैंक यू सो मच थैंक यू गॉड ब्लेस यू चलिए अरविंद जी बैक टू स्लाइड्स उसके बाद हम और उठाएंगे सो बेसिकली अभी हम क्या कर रहे थे पत्रियां उठाकर हम बेसिकली वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स कर पत्री और उनके हाउसेस और उनके प्लैनेट्स के इफेक्ट्स देखकर हम इधर उनको रेमेडीज दे सकते हैं बेस्ड ऑन जो उनके घर पे एलिमेंट्स हैं उसको रिप्लेसिंग करा सकते हैं जोन्स के हिसाब से उसको चेंजेस करा सकते हैं कलर थेरेपी लेकर बॉडी वास्तु कर उसी रेमेडी को इंस्टेड ऑफ आप हाउस के मूवमेंट्स करें हमने उसी चीज को बॉडी पे इस्तेमाल किया सो वही जसवीन जी को बोला कि येलो रंग का टीका लगाने पे जो उनके राधा देन हम उनके कोई जोन में यूटिलाइज करते और उनको बोलते कि इस जगह पे जाकर कोई येलो चीज को प्लेस कर दीजिए हमने उनके बॉडी पे ही उसका वास्तु कर दिया सो दैट जो उनका प्लैनेट है और जो उनका क्वेश्चन था जो बाहर जाने की उनकी उम्मीद थी वो वर्क करना शुरू करते और जब राइट टाइम आ जाएगा उनकी दशा और अंतरदशा का उनको भी नहीं मालूम पड़ेगा कि ये येलो चीज उनके लिए क्या वर्क कर गई सो यही इंटेंट होता है इस हिट थ्योरी का और ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है वास्तु में बिकॉज बेसिक वास्तु अंडरस्टैंडिंग के बाद एक नेक्स्ट लेवल आना चाहिए ऑफ कनेक्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल पत्री विथ वास्तु जब तक हम ये चीज को नहीं समझेंगे हम कई बारी पूरी तरह से वो रेमेडी की प्लेसमेंट्स नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप अपनी तरफ से एलिमेंट प्लेसमेंट तो कर देंगे कई बारी ऐसा होता है उस टाइम पे जिस समय आप कर रहे होते हो एलिमेंट प्लेसमेंट वो अपनी एनर्जी को वर्क करता है मैं ये नहीं डिनाई करूंगी कि वो नहीं करता है बट आपको हर एक को चाहिए कि मेरी चीजें फटाफट हो मुझे ज्यादा लंबा वेट करने की जरूरत ना पड़े एलिमेंट की एनर्जी कैन टेक टाइम बट एस्ट्रोलॉजिकली वास्तु को प्लेस करना एलिमेंट जोन से हटाना या लगाना बॉडी वास्तु करना ये ट्रिगर करता है कई बारी ये काम 4 घंटे में भी होता है डिपेंडिंग ऑन वो आपका महादशा या अंतरदशा क्या आई हुई है या आपकी कार्मिक अलाइनमेंट किस तरीके से करी गई है सो यही हम सिखाते हैं यही हम यहाँ से रिसर्चर्स बनाते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े एंड वो रिसर्च टीम को वाइडन करते हुए जाएं बिकॉज बहुत सारे लोग हिट थ्योरी या एस्ट्रो वास्तु के बारे में नहीं जानते आप वास्तु के बारे में जानते हो इट्स इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट पत्री मैं न्यूमरोलॉजिकली अगर किसी की बात करूं कि कॉम्बिनेशन है 2 and 3 का बट ये जरूरी नहीं वो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है I am not saying numerology is bad. Please don't misunderstand me. मैं एक numerologist हूँ मैं उस चीज को जानती हूँ वो combination क्या effect दे सकती है But sometimes हमारी astrological पत्री उसको वो strength नहीं दे रही होती जो required होता है इसीलिए आप चीजें miss कर जाते हैं यहीं से आता है कि हम वैदिक astrology में भी जाते हैं उसको understand करते हैं कोई theory गलत नहीं है सब अपने time पे काम करती है मैं टारो भी पढ़ती हूँ मैं टारो भी सिखाती हूँ बट इन दैट मैनर में ये भी बोलती हूँ वो भी बहुत सटीक है वो भी जब आप बैठेंगे आप अपनी कनेक्शंस करेंगे जब आप राइटली
चीजों को मैप करना सीखेंगे, आप रियलाइज करेंगे चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो टैरो हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो एस्ट्रो वास्तु हो, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. दिस इज ओशन. और इसीलिए मैं कहती हूँ जितना डीप जाते हैं उतनी नॉलेज अच्छी होती है. सो यहाँ से मैं आपको एस्ट्रो वास्तु के दो पहले एग्जाम्पल्स ही देके बताए. बट आपके पास देखिए, हमने एक किसी का एज एन एग्जाम्पल आपके पास राशि का चार्ट और ट्रांजिट का चार्ट दोनों दिया हुआ है. हमने आपको उसके आगे नेटल का जो बर्थ टाइम पे उसकी क्या ब्लेसिंग्स लेके आया, उसके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं बेस्ड ऑन द कर्मा वो जब पैदा हुआ. ये ट्रांजिट का कुछ भी नहीं है इसमें, एक्सेप्ट ट्रांजिट राशि चार्ट है. प्लैनेट टू प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट को हिट दे रहा है. अगर मैं यहाँ से आप लोगों से पूछूं, जिन लोगों ने एस्ट्रो वास्तु किया होगा या जो लोग समझना चाहते हैं, आप इसको देखिए ये कितना इजी वे में आप समझ सकते हैं कि अगर एक नेटिव का बच्चा नहीं हो रहा है और वो आपके पास आया है ये चार्ट लेकर, अपनी राशि चार्ट ऑब्वियसली बर्थ चार्ट लेकर, या आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है उस पर आपने उसको खोला, आपने उसकी हिट थ्योरी खोली, आप उसको क्या बताएंगे कि वास्तु हिसाब से क्या चीज गलत है, उससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आप चेक करने की कोशिश करेंगे. आप में से जो ये बता पाए प्लीज वही हैंड रेस करें, वही हैंड रेस करें और हम आपको उसका जवाब बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है. प्लीज वही हैंड रेस करें जिनको आता है, बिकॉज हमारी इंटेंट ये नहीं है कि दूसरों को पुट डाउन करना. इंटेंट ये है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है सीखना. अरविंद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको जो भी दिखे जिन्होंने हैंड रेस किया है इस क्वेश्चन पे, प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए. एक जने को ही करेंगे, अदरवाइज ये बहुत लंबा जाएगा. सबने कैमरा ऑफ कर रखा है, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए. आप अपना खुद का सूर्य खराब कर रहे हैं. चेतना, ओके, किसी और को करिए, रिपीट ना करिए अगर कोई ऑनलाइन नहीं आ रहा. अगर एक और जने नहीं आए तो फिर हम आंसर दे देंगे. अनम्यूट कीजिए अपने आप को. हेलो हेलो. हाँ जी मिथिलेश जी. हाँ जी मैम, आप क्वेश्चन एक बार रिपीट करना जरा. जरूर. जो इस जिनका ये चार्ट है उनका बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, हम आपसे जानना चाहते हैं आपको वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस चार्ट में नजर आया बेस्ड ऑन प्लैनेट और राशि के हिसाब से. आपको क्या नजर आया कि उनका बच्चा क्यों नहीं हो रहा और आप क्या इंपॉर्टेंट चीज उनसे चेक करना चाहेंगे. मैम उनके नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होगा. उनके नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होगा, ओके. उस अगर बेडरूम होता है तो वहां पर बच्चा नहीं होता है. नहीं, मिसकैरेज होता है, मतलब बच्चा होने में दिक्कत होती है. वही पूछ रही हूँ, रीजन बताइए आपके आगे. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर होता है तो वहाँ पे मतलब इस तरह का कपल्स का रूम नहीं होना चाहिए तो वो वास्तु दोष हो जाता है. तो इस वजह से फिर या कपल में से उनके बच्चे नहीं होते या फिर उनकी डेथ भी हो जाती है दोनों में से एक की, तो इसलिए कपल का नहीं होना चाहिए वहाँ पे. अच्छा, परेशानी आती है बच्चे होने में. चलिए, आप उनसे एक क्वेश्चन क्या पूछते, सिर्फ यही पूछते कि कमरा है या नहीं है या कुछ और भी पूछते. मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं आती. नहीं, मैं तो एस्ट्रोलॉजी बोल ही नहीं रही, मैं तो वास्तु सिखा रही हूँ यहाँ पे. आपने सही पकड़ा एक लिमिट तक, बट मैं कह रही हूँ आप वास्तु के हिसाब से एक क्वेश्चन उनसे क्या पूछते. चलिए मैं आपको हेल्प कर देती हूँ. मैंने जो अगर ये मेरे पास आते तो वास्तु के हिसाब से मैं इनसे पूछती कि क्या इनका वाटर टैंक है. अरविंद, इनके चौथे राशि में, चौथे हाउस में केतु बैठा हुआ है. देखो, फोर्थ हाउस में जब केतु बैठ जाता है परमानेंट, उसके ऊपर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल चीजें लगानी पड़ती है. उनके वहां पर उस साइड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक मिलेगा या फिर बोरिंग मिलेगी तो उनके बच्चा पैदा होने में दिक्कत आती है. या तो वो कंस्यूम नहीं कर पाते या फिर कंस्यूम हो जाता है तो शॉर्ट लिव्ड हो जाता है, या फिर पैदा होते ही उसके पेट में पानी वानी भर जाना, कुछ इस टाइप की समस्या उसके सामने रहती. दैट्स करेक्ट.
दैट्स करेक्ट. थैंक यू अरविंद जी. सो मैम थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी बात है. एक मिनट मैम, यस सर, यस सर. नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होने से वाटर रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, बच्चा पैदा करने वाली ऐसी कोई बात नहीं. नहीं, जिसके एस्ट्रोलॉजिकल फोर्थ हाउस में केतु बैठा होता है उन्हीं के लिए है वो स्पेशल. एब्सोल्युटली. और तो क्योंकि उसका नाइन्थ हाउस के ऊपर वो दिक्कत देने लग जाता है. मैम नॉर्थ और नॉर्थ एनएनई में भी अगर बोरिंग होगा तब भी ये परेशान होगी, है ना? तब भी एनएनई से लेकर के एनई तक बोरिंग आती है उस टाइम. हाँ, तब यदि किसी की कुंडली में फोर्थ हाउस में केतु होगा तो. चलिए थैंक यू अरविंद जी. अखिलेश जी, बेसिकली ये सबको बताने के लिए था कि अगर कोई भी जिनकी पत्री में चौथे स्थान पे अगर केतु है तो वो अपना चेक कर ले कि अगर उनका बोरिंग है या वाटर टैंक है तो वहां पर उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ये इंटेंशन था बताना. और अरविंद जी यहाँ पर एक और चीज आप बता सकते हैं, अगर यही चीज केतु 12वें हाउस में होता तो क्या होता? केतु 12वें हाउस में होता वो इन्वेस्टमेंट का हाउस होता है, तो जैसे बोरिंग वहां पर आ गई इन्वेस्टमेंट करके उसे भूल जाना चाहिए. यदि उसको इन्वेस्टमेंट करके बार बार निकालेगा तो वहां दिक्कत आ जाएगी उसको. फिर वो इन्वेस्टमेंट उसने मान लो शेयर मार्केटिंग में पैसे लगा दिए, अब सोचा कि थोड़े दिन बाद बढ़ गए हैं दूसरे में शिफ्ट कर दूं, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा उस बोरिंग का, वहां पे ये रिजल्ट रहेगा. केतु जिस हाउस में बैठ जाता है उन चीजों को भूल जाओ. जुपिटर का फर्स्ट हाउस के ऊपर क्या है, नेगेटिव है, लाल सुरंग का स्क्वायर है. जब ये बच्चा आया था ये मंदिर में बहुत जाता था, पढ़ाई को मन नहीं करता, इसका मंदिर जाना छुड़वा दिया था बस. उसके बाद ये पढ़ाई करता है अच्छे से, पढ़ाई भी अच्छे से करता है. So, आपको ये हैरानी होगी कई बारी हमारे को कोई चीजें नेगेटिव इफेक्ट देती हैं, कुछ हम बाय बर्थ अपने कर्मा से लेकर आए हैं उसको हम भूल नहीं सकते. मंदिर जाना अच्छा है, पूजा करना अच्छा है, बट समटाइम्स हमारी लाइफ में वो कर्म ही नहीं हमारे से परमात्मा करवाना चाहता. सो वो कई बारी हमारे को कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी देता है. आपकी बिलीफ है, आप अगर आपके कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको अपने पत्री में दिखे प्लीज कंसल्ट कर लीजिएगा. हम किसी को नहीं चाहते कि वो मंदिर जाना बंद करे या पूजा बंद करे, उसकी भी ऑप्शंस होते हैं अलग जो आप कर सकते हैं. अरविंद जी नेक्स्ट स्लाइड. चलिए ये एक और है और ये मैं ही आपको सॉल्व करके बताऊंगी राधा देन किसी से पूछने के लिए. एक और चार्ट हमारे को मिला था एज एन एग्जाम्पल जिसपे हमने रिसर्च की थी और आज भी उस पर और डीप कर रहे हैं देखने के लिए कि कैसे इनको हेल्प कर सकते हैं. हमारे पास ये पर्सन एक प्रॉब्लम लेकर आए थे कि इनकी शादी नहीं हो रही थी और हमारे को वास्तु से ये नजर आ गया था कि इनके घर में मंदिर की प्लेसमेंट है बिकॉज इनके सेवेंथ हाउस में जुपिटर है. सो समटाइम्स ये चीज हमारे को देखी जाती है और हमने सीखी है अपने रिसर्च में भी. जब भी सातवें घर में अगर जुपिटर आ जाए, अगर घर के अंदर वो पूजा कर रहे होते तो उनको नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, तो पूजा बाहर जाके करिए, घर के अंदर मंदिर को अवॉइड करिए. बिलीफ है अपना, हम किसी को फोर्स नहीं करते, हमने जो साइंस को सीखा है उसी साइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हम किसी पे फोर्स नहीं कर रहे किसी भी चीज को छोड़ने के लिए या हटाने के लिए. हमारी ये सजेशन होती है बेस्ड ऑन आर नॉलेज, बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन लोग खुद चल के बताते हैं कि उनको यही प्रॉब्लम हो रही है जब हम क्वेश्चन करते हैं. सो एंड रिजल्ट बोलने का यही है कि हिट थ्योरी, राशि चार्ट, वास्तु, ये सब कनेक्टेड है. आप बेसिक्स के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, आप अपने आप को एक स्टेप और ऊपर लेके जाएंगे जहां पे आप सक्सीड करेंगे. यू विल बी अ प्योरली वास्तु कंसल्टेंट विद अ रिसर्चर बिकॉज ये आपको रिसर्च करने में मजबूर करता है. सो जो भी रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है मॉनेटरी, बिलीव मी ये आपको बहुत पैसा ला के दे सकता है अगर आपकी रिसर्च सही है. अगर आपकी रिसर्च वीक है तो ये पैसा लाके नहीं देगा. सो बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहे वो फर्स्ट प्राइमरी इनकम के लिए काम करते हैं या सेकेंडरी इनकम के लिए काम करते हैं, बट अगर आप राइट डायरेक्शन में इसको काम ले रहे हैं ये आपको बेनिफिट ही बेनिफिट देगा.
हमने एक रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ और वो इन्हीं के लिए थी, सबके लिए नहीं है जिनके सेवेंथ हाउस में जुपिटर है। इन पर्सन की शादी नहीं हो रही थी तो हमने एज अ रेमेडी उनको जो दिया था वो बॉडी वास्तु दिया था। हमने कोई भी घर पे उनके कुछ भी नहीं हटाया, कुछ भी नहीं कराया, उनको सिर्फ ये बोला कि गणेश जी की पूजा घर से बाहर जाकर करिए, और दूसरा उनको ये बोला कि अपने अंगूठे पे, पैर के अंगूठे पे, राइट वाले पैर के अंगूठे पे एक पीला रंग का धागा बांध लीजिए। एंड हमारी उम्मीद है कि विद इन 2 months इनके, हम भी वेट कर रहे हैं अपनी रिसर्च का, विद इन 2 months हमारे को वो पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर आएंगे कि उनकी हो गई है। समटाइम्स अगर आपकी हिट थ्योरी के हिसाब से, रेमेडी के हिसाब से आप ये देखते हैं कि उनको वो पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा, सो माइंड यू या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज नक्षत्र चेंज होने में बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। सो वो चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमको बारीकियों में जाना है, डीप लेयर बाय लेयर रिसर्चर्स बनना है। अरविंद जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें? थैंक यू, आपने बिल्कुल अच्छा बोला इसमें। चलिए, हमारा एम अब तक आपको समझ आ गया है कि इस कोर्स के एंड में हम आपको क्या बनाना चाहते हैं या आपको क्या देना चाहते हैं। हम बनाना तो आपको एक प्रिडिक्टिव इंसान बनाना चाहते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली भी चार्ट को देखकर समझ सके। वेदिक बहुत डीप है। अगर आप ये सोचे कि मुझे मिनटों में वेदिक आएगा, हाँ जी आपको बिल्कुल आएगा, बट आपको वो वेदिक को सिंसियरली समझना है, वो वेदिक एस्ट्रोलॉजी को सिंसियरली पढ़ के समझना है। आप इस कोर्स में पूरी नॉलेज लेंगे, प्लैनेट्स और प्लैनेट्स की ट्रेड्स, नथिंग न्यू, ये आप न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं, बट यहाँ पे एक डिटेल्ड लेवल पे आएगा। आपको हर हाउस का सिग्निफिकेटर्स बढ़ा जाएगा, बिकॉज एक हाउस बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, सिलेक्टिव चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ 4 या 5 चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करता, हमारे बॉडी पार्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि राशि को कैसे देखा जाता है, राशि लॉर्ड को कैसा देखा जाता है, नक्षत्र की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें आपको समझ आएगी। आपको मूवेबल, स्टेबल और ड्यूल राशि के बारे में बताया जाएगा। एलिमेंट्स, जोडियक एलिमेंट्स क्या है, वो किस राशि को कौन सा जोडियक एलिमेंट कॉम्बिनेशन में देता है, कई बार आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसको कौन सा प्रोफेशन भी बताना है, वो इससे आप बहुत इजीली बता सकते हैं, बिकॉज अगर आप मूवेबल वाले को एक बड़ा ही स्टेबल वाला स्टेबल एलिमेंट पे आ रहा है और एलिमेंट फायर का है और आपने उसको बिठा दिया तो आप समझे आपने उसको काम ही ढप्पा बिठा दिया। तो आपको सही तरीके से इवन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सारी चीजें सही तरीके से समझनी है। फ्रेंडली एंड एनिमी प्लैनेट्स, वो समझ में आएगा। प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ उसके हाउस में वो क्या आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा है, ये डिटेल समझ में आएगा। आप एक हाउस को और एक प्लैनेट को रेमेडी के तौर पे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, बेसिक्स हैं, एक छोटा सा बेसिक है कि अगर आपको कभी कोई चीज की मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट इतना बता दूं कि कई बारी एक पार्क जाने पे आप कैसे अपना मर्क्यूरी को एक्टिवेट कर देते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, या एक सिनेमा हॉल जाने पे आप उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, एक बच्चों के खेलने की जगह पे जाकर आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं वो, बट राइट एक्टिवेशन भी करवानी और समझनी बहुत जरूरी है। ये नहीं देखना कि मुझे अपनी पत्री पे कैसे किसी चीज को एक्टिवेट करना, जब तक समझेंगे नहीं तब तक नहीं करना। रीडिंग हिट थ्योरी जो हम आपके सामने दिखा रहे थे, उसकी प्लेसमेंट, उसकी राइट इफेक्टिव रेमेडीज बहुत जरूरी है आपको समझनी। बॉडी वास्तु जैसे हमने करवाया उस तरीके से आप रेमेडीज दे सकते हैं। घर के सामान नहीं हटाइए, आपको कोई बहुत ही बेसिक्स, अगर कोई दान भी देना है बहुत बेसिक्स दान में आप पूरा कर सकते हैं, कोई अलग तरीके का दान नहीं है, इट्स बेसिक चावल आटा दाल गुड़ इन चीजों का, या खिलाना जो सबसे बड़ा दान है वो हम रिप्लेस कराते हैं। एसोसिएटिंग पत्रीज विद ट्रांजिट विद दशाएं, ये बहुत जरूरी है इसमें समझना, ये एक बहुत ही होलसम किस्म से एक्सपोज है जो अगेन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको 10 क्लासेस में खत्म कराएं, बिकॉज हर एक की एक्साइटमेंट होती है कि मैं जल्दी से जल्दी सीखूं और जल्दी से जल्दी परफॉर्म करना चाहूं। बट हम आपको एज अ रिसर्च टीम में जैसे बात करी है, रिसर्चर्स के तौर पे देखना चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ के जाएं और एक अच्छा रिसर्चर बने। ये सेशन
सेकेंड ऑफ सितंबर से शुरू होगा। अभी फीस डिटेल्स नहीं है हमारे पास, वो आपको अजय शास्त्री जी इन डिटेल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएंगे। ये इंश्योर करती हूँ कि जो हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर एक की पत्री लगाएं, सो दैट हम पोस्ट के एंड में उनको सैटिस्फाई करके जाए कि उन्होंने क्या करना है। उनको भी समझना चाहिए अपनी पत्री। अपनी पत्री देखने में डिफिकल्टी होती है, दूसरा जब समझाता है वो इजी हो जाता है। सो वंस अगेन, ये 2 सितंबर से शुरू होगा क्लासेस। अगेन हम फ्राइडे सैटरडे संडे ही रखेंगे लोगों की ईज के लिए। क्लासेस हमेशा रात को ही होंगी 9 बजे के आसपास के बाद, और ये 10 क्लासेस में हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको ये पूरे के पूरे कंटेंट, जो एक्चुअली में इससे कहीं ज्यादा क्लासेस लगती हैं, बट हम कोशिश करेंगे इसको कराने की। अरविंद जी, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट? सो हमारा एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क में आप जब बेसिक फाउंडेशन और फिर एस्ट्रो वास्तु सीखते हैं, कर्मा अलाइनमेंट आपको कनेक्ट कराता है उस कर्मा से जो आपको समझना पड़ता है अपनी पत्री में। हाउ डज इट वर्क, आप प्लैनेट्स को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये सब कर्मा अलाइनमेंट आपको सिखाता है। बिकॉज कई बारी हम पूरी कोशिश कर जाते हैं, हम पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, बट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मैं ये कह रही हूँ, जो लोग अपनी पत्री जाके दिखाते हैं रेमेडीज के लिए, उनके बारे में बात कर रही हूँ। वहां पर हम ये कर्मा अलाइनमेंट सिखाते हैं कि आपको समझ आए कि कौन सा राइट प्रोफेशन जो आपने यूज ही नहीं कर रहे हैं। आपको ऑल ऑफ अ सडन कोई नई प्रोफेशन नहीं बताते, बट कुछ चीजें आपकी पत्री से देखकर आपको चेंजेस बोलते हैं करने के लिए, जो आप ही के प्रोफेशन में आपको बेटरनेस देती है। अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही हो वो करवाती है, रिलेशनशिप को इम्प्रूव कराती है। बहुत सारे लोग फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं जिनकी रुकी हुई है, वो भी चीज पॉसिबल होती है। अरविंद जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर एक पत्री लगाई जाए, और आप बहुत ही, हम डिटेल में नहीं बात करेंगे बिकॉज ये बहुत ही वास्ट है कर्मा अलाइनमेंट, और इसको क्विक वे में नहीं बोल सकते, बट इनको प्लीज एक पत्री लगाकर आप उनकी कर्मा अलाइनमेंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल दीजिए। किसी का भी आप एक बता लीजिए प्लीज। हाँ सर, मेरा सर, अरे मेरी बर्थडे है 14/11/1946। सर एक मिनट स्लो बोलो। 14/11/1946 आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट है ना, क्योंकि 46 है ना। एकदम परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एंड 1456 बट टाइम 1456 दसवंत गढ़। कौन सा सर? दसवंत गढ़ राजस्थान में है सर। आप स्पेल आउट कर देंगे हमारे लिए प्लीज? JASWANTGARH जसवंत GARH यस जसवंत गढ़। अगर ये नहीं मिल रहा तो इसके बगल में गांव है सर, मिल गया जैन। यस परफेक्ट 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 सर। सर आप ही क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर हम आपके कर्म अलाइनमेंट के हिसाब से देख लेते हैं। नहीं, मेरा ये सूर्य और गुरु दिस इज इन तुला का है। सूर्य और गुरु तुला का है। नहीं सर, नहीं जन, हाँ बराबर है, बराबर बराबर। मैंने ये राशि चार्ट देख लिया, इट्स ओके। सर क्वेश्चन पूछिए आप मेरा जी। आप किस चीज में काम करते थे, आप ये बताइए ना पहले। आई एम अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट हो सर अभी आप? हाँ बिल्कुल सर, और आ कंसल्टेंट हूँ मैं। बिल्कुल सर, सैटर्न केतु। हाँ और आ कंसल्टेंट हूँ सिंस लास्ट 40 इयर्स। ओके सर। हाँ देखो सर, आपके कर्म अलाइनमेंट का अभी बता देते हैं। ये शनि हाँ, है इसके ऊपर कौन कौन से हाउसेस का प्लैनेट्स का असर है। केतु, केतु आध्यात्मिक विद्याएं दिखाता है। हाँ। दिखाता है शनि के ऊपर केतु का असर है, सिक्स्थ हाउस में है, तो आप होरा की सर्विसेज दे रहे हो। मंगल
आपको वास्तु की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सर। आप होरा से देख करके ये भी बता सकते हो आपके घर में ये सामान यहाँ पड़ा है, आप बताते हो आप लोगों को सर? बताते मरकरी आप मंगल के साथ। सर हाँ, मंगल के साथ मरकरी है तो आप मरकरी बिजनेस में, तो आप उस बिजनेस में भी हो, आपका ये बिजनेस चला है अच्छा सा सर। लेकिन आपकी शनि और चंद्र की युति है तो मन आपका बड़ा चंचल रहा है, करो कि नहीं करो, आप अपने मूड के मालिक हो जाते हो, मूड है तो बताएंगे वरना नहीं बताएंगे। आप बैठे हो, मूड नहीं है, चाहे क्लाइंट आके चुपचाप बैठ के चला जाए, आप नहीं बताते, नहीं तो आप बताते हो। ये आपका कर्म अलाइनमेंट है शनि के ऊपर, शनि के ऊपर पीछे से राहु भी आया हुआ है। आपकी प्रिडिक्शन, आप जिसके बारे में जो आपके ऊपर भरोसा करके आते हैं ना, आप उसको कुछ भी दे दो, जैसे कहते हैं ना कि उठाया एक कुड़ी बना के दे दी आप, वो भी काम कर जाता है आपका सर, क्योंकि पीछे से राहु आया हुआ है। राहु भी इसको बिल्कुल आपकी जो इंट्यूशन पावर है बड़ी अच्छी काम करता है। हीरा जी आप बताइए, आप हमारी बातों से संतुष्ट है कि नहीं है? परफेक्ट परफेक्ट वेरी गुड, थैंक यू सर। और आप जैसों का आशीर्वाद चाहिए, आप 40 साल से ये काम कर रहे हो तो आपकी ब्लेसिंग्स भी हमें चाहिए सर, कि हम इस काम में आगे बढ़ जाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू हीरा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो नाइस, आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम मेम्फिस टू वियतनाम, उज्बेकिस्तान टू कोलंबो, आई हैव ट्रेवल्ड एटलीस्ट 100 times सर। ये आपकी कर्म की यात्राएं हैं सारी, राहु विदेश भी होता है और केतु भी विदेश होता है, छोटी यात्राएं भी हुई हैं और आपकी लंबी यात्राएं भी हुई हैं, और आपको वहां पर सेटल होने का पूरा पूरा मौका मिला है आपको। आपको लोगों ने ये कहा है आपका ऑफिस यहीं ओपन करा देंगे, आप यहीं रहो, आपको प्रॉपर्टी भी दिला देंगे, लोगों ने आपको यहाँ तक के भी बोला है। और एक बात और है सर, आप अपने छोटे से छोटों को पैसा दे देते हो, वो पैसा नहीं आता आपके पास, बड़ी मुश्किल से ले दे करके पहुंचता होगा थोड़ा बहुत। That is okay. Good. Right. Wonderful. Wonderful. I appreciate. Wonderful. Very good. हमारा इंटेंट हीरा जी जेन्युइन पढ़ाई कराने का है, इट इज नॉट मनी मेकिंग बिजनेस। मैंने दोबारा बोला, हम लोग रिसर्चर्स हैं, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, बट आप जैसे बड़े का ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हम बहुत अच्छा रिसर्च करेंगे और लोगों को बढ़ाएंगे। I am always with you. So nice. Thank you so much, sir. God bless you. I will love to learn with more and more with you. Thank you so much, sir. Thank you. Arvind ji, वापस back to the slides. This is what we are gaining here from everyone. मनी एक अलग मैटर है, ट्रस्ट बिलीफ एंड ब्लेसिंग्स इज ऑल दैट वी वॉन्ट, बिकॉज वहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है एंड वहीं से हमारा कर्मा बनता है। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड, अरविंद जी आई विल टेल यू टू टेक दिस ओवर प्लीज। 45 एनर्जी फील्स इन अ हाउस, किसी भी घर में है वास्तु का, जब पूरा घर बनके तैयार होता है तो उसमें 45 एनर्जी फील्ड्स क्रिएट होती हैं। हर एक एनर्जी फील्ड का अलग अलग महत्व है। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में देखो आप, दो एनर्जी फील्ड दिखाई देंगी आपको, एक भल्लाट और एक सोमा। तो एक भल्लाट का अलग से महत्व है, सोमा का अलग से महत्व है। यूं कहते कि एनर्जी फील्ड्स बनी वास्तु पुरुष के ऊपर, जो सभी कहानी सुनाते हैं कि अंधकासुर और भगवान शिव के बीच में जो युद्ध हुआ और भगवान शिव के पसीने की जो बूंदे गिरी उनसे वास्तु पुरुष का जन्म हुआ था। तब वो सब कुछ खाने लगे तो सबने मिलकर के ब्रह्मा जी ने के पास लेके गए, तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को असुरों को बुलाया, तो उन्होंने सबको एक एक जगह दे दी कि भाई यहाँ से आप पकड़ो, यहाँ से आप पकड़ो, बीच में वो खुद बैठ गए और वो एक बंधन में बांध दिए कि जब तक कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी तो जो भी घर होगा उसमें आपका स्थान होगा, यदि वहां पे कोई कमी होगी, यानी कि आपकी बॉडी में जिस जगह, आपके घर में जिस जगह प्रॉब्लम होगी, जो हिस्सा कटा बढ़ा हुआ होगा उसी जगह आपके शरीर में भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे इसमें ये 45 देवता हैं, और 45 देवताओं में जैसे कई बार
क्लाइंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर अटके हुए पैसे नहीं आते, हमारे पैसे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। तो उसके लिए हम जो देवता एक्टिवेट करते हैं, यहाँ देखो साउथ ईस्ट में एक देवता आया हुआ है अनिल, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, फंसे हुए पैसे वापस आ जाते हैं। जैसे एक इसमें यहाँ नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्ट देवता है पाप यक्ष्मा, यदि ये बैल घर में डिस्टर्ब होता है तो उस घर के लोग हैं वो एडिक्शन का शिकार होते हैं, कई बार ड्रग्स एडिक्शन का, कोई अल्कोहल का, कोई किसी चीज का, ये चीज देकर के दिक्कत में आती है। तो इस पाप यक्ष्मा को बैलेंस किया जाता है, यहाँ पर उसकी कलर थेरेपी की जाती है घर में 45 एनर्जी फील्ड में, तब उसे छुटकारा पाया जाता है। एक देवता होते हैं यहाँ पे सिखी, नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप, यहाँ इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जिसकी गड़बड़ होगी, उसको शरीर में कोई क्रोनिकल डिजीज मिल सकता है, क्रोनिकल डिजीज। अब देखो सिखी देवता है, यहाँ पर इसकी लगभग कोई आंख आई हुई है तो ब्रेन भी आया हुआ है, या तो आंख और ब्रेन के इनमें से किसी एक चीज की दिक्कत होती है। और यहाँ की एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं कि सब कुछ, यहाँ नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस सबसे ज्यादा अच्छी नहीं होती, यहाँ की एंट्रेंस भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप एंट्रेंस यहाँ लगाओगे तो उनके शरीर से ऊपर से गुजरना पड़ता है दिमाग से, तो आपको दिमाग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है। ऐसे ही 45 एनर्जी फील्ड में एक देवता होते हैं यहाँ वृषा और सत्या, देखो ईस्ट साउथ ईस्ट में, यहाँ पर यदि आपने एंसेस्टर्स की फोटो लगा रखी है तो आपको लीवर प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि हार्ट प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको। ऐसे ऐसे हर एक देवता की कुछ न कुछ चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होगी इस कोर्स में आपको सारा वो बताया जाएगा। ये अलग से कोर्स डिजाइन किया गया है, इसमें हर एक के लिए जैसे इनके ये कलर डिजाइन किए हुए हैं, जैसे इनकी रेमेडियल पार्ट करते हैं तो इन कलर से भी कर सकते हैं, और अलग से कोई स्पॉटलाइट वगैरह लगाकर भी कर सकते हैं, अलग अलग चीजों से बॉडी के ऊपर भी की जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे 45 एनर्जी फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स का सारे सभी का कम से कम आपको 8 से 10 क्लास लगेंगी, इसमें 8 से 10 क्लास में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू अरविंद जी। ओके मैम, कंटिन्यू प्रिया मैम, नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारा फ्रेमवर्क क्या है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। हम अपने इस जर्नी में इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आए हैं। अभी हमने 2 पार्ट्स की आपको बहुत ज्यादा डिटेल दी, कर्म अलाइनमेंट का सर ने हमारे को अपॉर्चुनिटी दी, बहुत बड़े हैं हमारे से और बहुत ही लर्नेड है, फिर भी उनका ट्रस्ट जो हमारे पे फॉर्म हुआ, अगेन जय गुरु जी फॉर दैट। और जो लास्ट है 45 एनर्जी फील्ड्स, इसके कोर्स की डेवलपमेंट की डिटेल्स हम आगे प्रोग्रेसिवली आपको इन्फॉर्म करते हुए जाएंगे। सो जिसने हमारी जर्नी में ज्वाइन करना है वो अपने अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकता है, जिसको पार्ट 1 में आना है वो पार्ट 1 में इनरोल करिए, जिसको लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पार्ट 1 मेरा बहुत अच्छी तरह से और मुझे सटीक से आता है, वो पार्ट 2 ज्वाइन कर सकते हैं, इसी तरीके से पार्ट 3 पार्ट 4। अभी हम पार्ट 2 तक डेट्स लेकर आए हैं जो मैंने आपको बताया है, अगस्त के मंथ में बेसिक्स एंड सितंबर के मंथ में हम हिट थ्योरी के साथ एस्ट्रो वास्तु लेकर आएंगे। सो आई वेलकम एवरीवन टू जॉइन मी ऑन दिस जर्नी, एंड आप प्लीज अपने व्हाट्सएप पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी डिटेल्स वहां पर आएंगी जस्ट एज अ सरप्राइज आइटम। आई नो वी हैव 249 पीपल हियर, वी डोंट वांट टू मिस एनीवन। अरविंद जी एक लास्ट चार्ट लगा लीजिए एंड देन वी विल बी सेइंग जय गुरुजी टू ऑल। सो टू एंड व्हाइल एक बारी वापस स्लाइड लगा दीजिए अरविंद जी, आई बिलीव इन दिस सो इसलिए मैं इसको प्रेजेंट कर रही हूं, एंड आई डोंट वांट यू शुड गो विदाउट रीडिंग इट। आप प्लीज इसको पढ़िए, यू आर योर ओन मास्टर्स, यू मेक योर ओन फ्यूचर, एंड देयरफॉर डिसिप्लिन योरसेल्फ एज अ हॉर्स डीलर ट्रेन्स अ थरोहेड थरोब्रेड सॉरी। सो जय गुरु जी टू ऑल, बट बिफोर वी एंड हम एक पत्री और जरूर लगाएंगे। सो अरविंद जी ओवर टू यू, एंड रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी एक जने को ऐसे सेलेक्ट करें जिसका हम आंसर दे पाए। कैन आई जस्ट सेलेक्टेड टुडे, मैं एक करना चाहती हूँ, एक yes, आगे मेरे आ गया है नजर में, गैलेक्सी F12। मैम आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए,
You are the one who was raising the hand. Galaxy F12. Hello, ma'am. Jai Guruji. Hello. Hello, ma'am. Ma'am, my name is Neha. Haan ji. Neha, my date of birth is 30 July 1984. Aapne 30th July bola? 30. Haan, yes, ma'am. 1984. Oh, yes, ma'am. Time bolie, ma'am. 7:35 a.m. फिर से बोलना मैं 7:35 अरविंद 7:35 AM मॉर्निंग आगरा मैम आगरा मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अभी कोई भी सेशन छोड़ के ना जाए द रीजन इज आई डोंट नो द रीजन इज हो सकता है कि हम एक और पत्री उठा लें आई कांट से फॉर श्योर अगर नहीं उठा पाए तो वेरी सॉरी फॉर दैट बट कोशिश रहेगी आगरा ही नहीं दिखा रहा सॉफ्टवेयर में कोई और जगह बता दो आप या आगरा आगरा ये आगरा है यूपी सिंगल जी सिंगल ए जी आर ए अरविंद ए जी आर ए इसमें भी नहीं दिखा रहा ए जी आर ए आएगा सर मेरा तो आता है आगरा यूपी यही मैम हम तो यही डालते हैं उत्तर प्रदेश डाल दीजिए यहां पर आना चाहिए आ गया आप पत्री देखो ये वाला हिस्सा देखो मैम आप अपनी पत्री प्लीज अगर आपको मालूम है आपके हाउसेस के बारे में तो प्लीज कंफर्म करिए यही दिखता है यस मैम यही दिख मैम अगर राजस्थान नहीं है यूपी है क्या गड़बड़ आ रही है यूपी है वो हो सकता है कि आप अगर बैकेंड पे उठा रहा हो आप बेसिकली अपनी पत्री देखो ये सही है मैम सही है आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज मैम मेरी मैरिड लाइफ के बारे में बहुत प्रॉब्लम है मैम अगर वो डिटेलिंग वाली नहीं करिए आपको मैरिज से मैरिज आपको हस्बैंड से दिक्कत है किससे दिक्कत है मैम रुको एक मिनट मैम हस्बैंड हस्बैंड से दिक्कत है आप अपने घर के साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से लोहे का सामान जो रखा है वो हटा दो सर अलमारी रखी है मेरी हटानी पड़ेगी मैम लोहे का सामान है ब्लैक कलर की चीजें हैं वो हटा दो आप वहां से सर एक क्वेश्चन है बस लास्ट सर जस्ट अभी मैं अपने पेरेंट्स के घर हूँ तो ये वो घर में या यहाँ घर में ये पूछना है क्योंकि अभी तो पेरेंट्स के घर में आप अपने पेरेंट्स के घर पर कितने टाइम से हैं मैम मैम तीन साल हो गए आपके इस घर में भी लोहे की अलमारी है मैं इस घर में तो इसी डायरेक्शन में लोहे की अलमारी है ना? सालों से नहीं नहीं yes, आप जब आप आप टेक ओवर करिए सॉरी जी बोलिए अरविंद जी गो हेड अरविंद जी आपको आवाज आ रही है क्या और पत्री ले मैम नहीं इनका पत्री अरविंद आप कुछ बताना चाह रहे थे इनके बारे में हाँ मैम नेहा जी आप सब सुनाई दे रही है आपको हाँ सर श्रावण का महीना है अभी 43 डेज तक कंटिन्यूअसली
भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करना और दो के लिए अर्पित करने डेली 43 डेज तक, तो आपका मामला कुछ शांत हो सकता है वरना नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू अरविंद। अजय जी बोलिए बोलिए, वील हैंड इट ओवर बैक टू यू नाउ। ओके पुरुषोत्तम जी। जी सर, किसी को दो तीन डाउट होंगे कोर्स को लेके उसके आसपास तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन आगे चलते हैं। लेकिन अभी किसी की चार्ट नहीं देखा जाएगा, तो उसमें जो हमने बताई है एस्ट्रो के बारे में, किसी को भी कोर्स है, हाँ जी, किसी को भी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है। कोई भी पर्सनल क्वेश्चन अभी नहीं लिए जाएंगे, तो प्लीज कोर्स से रिलेटेड अगर किसी को हो तो अभी प्रिया मैम बताएंगी कि कैसे कैसे क्या है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं नूतन भार्गवा जी का। मैडम प्लीज अनम्यूट करें। साई राम, बोलिए। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मैडम ये पहली दफा, आई ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस, परंतु दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड कि वास्तु इज बीइंग इक्वेटेड टू योर बर्थ चार्ट, क्योंकि मैंने बहुत बहुत धुरंधर वास्तु कंसल्टेंट्स को देखा है जो बड़े फार्म्स फैक्ट्रीज को करते हैं, लेकिन आई हैव नेवर सीन कि द बर्थ चार्ट बीइंग अलाइंड विद इट। दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड आई डिडंट नो व्हाट हैपेंस। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जैसे मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजी, पर मेरे जैसा बिगिनर भी कुछ सीख सकता है इससे? एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। गो अहेड अरविंद जी, आप आंसर करिए। बिल्कुल मैम, और आप प्रेडिक्शन भी करोगे। आप प्रेडिक्शन भी करोगे मैम। अच्छा, थैंक यू जी। अच्छा, और दूसरी बात, जैसे अभी आपने ये मैडम को बताया था कि लोही की अलमारी साउथ साउथ वहां से हटा दे, I just made a note of it, but this is not true for everybody, na? No, not at all, ma'am. It is only tailor made कि जिसका है उसका ये problem है. Absolutely, ma'am. Yes, absolutely. अच्छा, okay. But I am amazed, I am floored कि जैसे आपने कुछ लोगों से पूछा और उन्होंने जैसे बताया, जैसे you know you as if you're reading their history and you're telling them, और वो और जबकि आप उनको जानते नहीं, and we are only over a camera or a webinar. आप जानते नहीं कुछ नहीं। आई एम वेरी इम्प्रेस। आई एम फ्लोर। थैंक यू मैम। आई विश मेरी पत्री भी पढ़े, बट वी डोंट हैव टाइम। वी बी कमिंग अप विद मोर वेबिनार्स मैम। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप जॉइनिंग इन, बिकॉज हमारी इंटेंशन है टू बी वर्किंग कलेक्टिवली। ये सिर्फ एक वन वे जोन नहीं है हमारा, हम इसको कलेक्टिवली पार्टिसिपेंट्स की इन्वॉल्वमेंट पूरी चाहते हैं, एंड दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड how easy is that when you do vastu based on your patri, how quickly things change for you. Aap wo bhi imagine nahi kar payenge. And also we will sync it with all family members. Absolutely, absolutely. चलिए चलिए, thank you जी। मैं सर को एक चीज कहना चाहती हूँ। सर मुझे इजाजत है? बोलिए बोलिए। मैं ये कह रही थी मैडम, दिस इज अ लिटिल ऑफ व्हाट यू हैव टॉट अस। कल परसों हमारी और क्लासेस हुई थी जहाँ हमें कुछ डिफरेंट कोर्सेज के बारे में इंट्रोड्यूस किया था शास्त्री सर ने एंड परशोत्तम जी ने, तो एवरीबडी वाज सेइंग दैट वी मस्ट एक्सचेंज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सम मनी, सम कोर्स फीस। तो जो जो लोग आए थे दे वर वेरी काइंड एंड दे सेड नहीं, हम पैसे नहीं लेंगे, वी जस्ट वांट टू शेयर नॉलेज। एवरीबडी इंसिस्टेड, 300 पार्टिसिपेंट्स में थे, एटलीस्ट 100 से नहीं पैसे दो, तो सबने मना, जो टीचर्स थे उन्होंने मना कर दिया। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, एक तो मैं परशोत्तम सर को कहूंगी कि सर यू नो मेक अ काइंड ऑफ अ पेज इन विच यू राइट ऑल दीज थिंग्स कि भाई शास्त्री जी इज अंडर हिज अम्ब्रेला इन इट दे आर टीचिंग वास्तु शास्त्र विद जो मैडम सिखा रही है, सिग्नेचर करेक्शन, हैंड राइटिंग, न्यूमरोलॉजी, सो दैट, और हम सब जो 300 लोग हैं हम अपने अपने ग्रुप्स में डालें, सो दैट पीपल गेट अ वाइडर एक्नॉलेजमेंट एंड पीपल कम टू द राइट पाथ। मैडम मेरे से और सर जी, आई वॉज मिसगाइडेड बाई वन और टू बिग एस्ट्रोलॉजर्स, एंड बड़े धुरंधर थे,
एंड दे मिसगाइडेड उनका नाम 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 मत लेना नाम नहीं लूंगी नहीं नहीं आई विल नेवर टेक एनीबॉडीज नेम इतनी इतनी मेरी लाइफ खराब कर दी इतनी खराब कर दी आप आपको बता नहीं सकती दैट इट वाज यू नो आई रिग्रेटेड इट दैट आई मीन हाउ मैम एक मिनट मैम वो आपका टाइम पीरियड ऐसा था कि आपके टाइम में जो उस टाइम पे नुकसान होना था कि तो आप इन बंदों से मिले और उन्होंने जो सजेशन दिया शायद वो क्या पता उन्होंने कितनों की लाइफ अच्छी की हो शायद आपका टाइम उस टाइम खराब हो उनके मुंह से माँ सरस्वती ने कुछ कहला दिया हो सो यू कैन से एनी पर्सन की वो खराब है धुरंधर है उसने ऐसा कर दिया ये चीजें मैम आप इन्वायरमेंट में आप खुद के लिए नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहे हो आप ये कभी मत सोचो आप ये सोचो कि हाँ अब मैं अब अच्छे रस्ते के ऊपर आ गए आप हमें अच्छे बच्चे मिले हैं तो आप अच्छा अब सोचो सर इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि प्लीज बिकॉज आई हैव सीन शास्त्री सर द वे ही सेज इट एंड सो सेल्फलेसली फोन के ऊपर दो मिनट में बताते हैं विदाउट इवन चार्जिंग बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू गुड टू ह्यूमैनिटी सो आई नो इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट एंड इट विल मीन गुड देखिए एवरीथिंग इज नॉट कोई भगवान तो है नहीं कि 10 out of 10 ट्रेडिशन सीख करे बट यू कैन गिव देम अ वे यू कैन गिव देम अ डायरेक्शन बट एटलीस्ट डोंट सेंड देम इन टू द वेल That's all I say. ठीक है मेरा टाइम खराब था मुझे भुगतना पड़ा whatever. But अगर मुझे कोई जरा हाथ देके कहता ना जी साइड से चलो आग के बीच में से नहीं maybe things would have been better. So that's my only suggestion and let people know that you people are you know helping people rectify their lives, helping people in many ways that मतलब मंदिरों में जाके वो help नहीं होती सुकून मिलता है but help nahi milti so through all of you I'd like ki we can you know spread the message more and more that's thank all thank you so much thank you ma'am thank you ha purushottam ji jasprit taroda sir jasprit ji ne kaafi der ho gayi jasprit sir please admit kare hello jasprit sir how are you hello jasprit ji सर उनकी आवाज नहीं आ रही जसप्रीत अरोड़ा जी हैं सर दूसरे को ले लीजिए पुरुषोत्तम जी आप ही अनम्यूट करो जल्दी जल्दी जी हेलो सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 मई सर हम किसी का चार्ट नहीं ले रहे जसप्रीत जी अभी कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हाँ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी कोई भी क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं अगर कोर्स रिलेटेड किसी को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं पर्सनल क्वेश्चन के लिए प्लीज हैंड रेस नहीं करें आप अशोक शारदा जी आप पूछिए आपको कोर्स से रिलेटेड क्या पूछना है नेक्स्ट अलका कुमारी ठाकरे जी का लेंगे जी एंड नमस्कार प्रिया जी और अरविंद जी बहुत ही बेहतरीन कोर्स था आप लोगों का थैंक यू सो मच सर और ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे सुना है पहले सुना नहीं था मेरे सिर्फ दो ही क्वेश्चंस हैं मतलब ये कि सपोज कि यदि मैं ये कोर्स जैसे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में नहीं कर सका क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं तो 3-4 कोर्स चले गए तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं सर नहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी बट आपको फोकस रहना पड़ेगा कि जो हमने आपसे रिकॉर्डिंग शेयर करी है आप उसको अच्छी तरह से समझे और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड वो हम कोशिश करेंगे कि आप जब ज्वाइन कर लें तो आपको उसके आंसर्स देते हैं ठीक है और दूसरा ये है कि दो उसमें दो क्वेश्चंस हैं कि एक तो क्या हम किसी के बारे में ये बता सकते हैं कि कोई दुर्घटना होने वाली है वो भी हम बता सकते हैं जब आप कोर्स में आओगे तो आपको सारी चीजें बताएंगे हम मेरा कहने का मतलब एक्चुअली बताएंगे सर हाँ मेरा पूछने का मतलब ये है कि ये इसलिए क्योंकि मैंने अपनी जन्मपत्री और अपने बच्चों की जन्मपत्री कईयों को दिखाई थी एंड जस्ट 2 महीने पहले आई लॉस्ट माय यंगर सन तो ये क्या है कि मैं मतलब जब मैं आज भी जब पूछा 2-3 जनों से तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ था ही नहीं लेकिन जब एक साइकिक से मैंने ऐसी पूछ लिया जो बहुत ही ऊंचे मतलब जानकार है वो जन्म पत्री नहीं देखते उन्होंने पढ़ते ही कहा कि उनका तो टाइम ही आ गया था और ये बात मुझे मालूम पड़ गई थी कि उनका टाइम आ गया है और वो जाएंगे लेकिन जन्म पत्री में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैंने पूछा कि क्या ऐसी बातें भी बताई जा सकती है क्या जिससे सामने वालों को ये तो नहीं बताया लेकिन उनको थोड़ा सा सावधान किया जाए सर आपका शुभ नाम क्या है आपका मेरा नाम अशोक शारदा है अशोक शारदा आप प्रॉपर कहां से हो मैं वैसे राजस्थान चूरू से हूं लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता से और अभी मैं बैंगलोर में हूं 30 साल से अच्छा बैंगलोर में राजस्थान चूरू से हूं
प्रॉपर कोई गांव तो है आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट में? चूरू है, चूरू। चूरू में गांव होगा सर कोई? सालासर के पास है? हाँ, चूरू सालासर के पास है, डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा सिटी है। हाँ तो सिटी तो है सर। मैं आपका नाम था ना अशोक शारदा? हाँ जी सर। आपके घर में पहले भी कोई ऐसे ही जवान गया हुआ है आपके तो? हाँ सब गया है, मेरा मेरा एक काका का लड़का गया है, वो कई बार 16-17 साल। तो सर आप ये करना, जाकर के किसी पंडित जी से पूछना और अपने पितर दोस्त की पूजा करवाना, ठीक है सर? करवाई है साहब, करवाई है। तो आपको उसका रिजल्ट अभी इस पीढ़ी में तो पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, लेकिन आपको उस चीज का फायदा मिलेगा, ठीक है सर? क्योंकि किसी ने बताया था कि पितृ दोष कर दो, तो हमने लास्ट ईयर हम चारों जने गए, तो मैं मेरी वाइफ, आप गया जी जाके करके आओ। और तो गया जी अच्छे से, अच्छा इनके तो नहीं, लेकिन मैं अपने फादर की करके आया था। आप करके आओ सर। ओके सर, थैंक यू। और इस तरह के जैसे आप लोग बताते हो कि भाई यहाँ पे ये चीज रखी हुई है, तो ये क्या हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे फिर? बिल्कुल सर। ओके थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अलका कुमारी जी आप अनम्यूट कर ले। मैं सबको प्लीज दोबारा बोल दूं, हम रिसर्चर्स हैं, हम भगवान नहीं हैं। हम अपनी बेस्ट करते हैं, बेस्ट बताने के लिए। सो प्लीज इस कोर्स में भी जब आप ज्वाइन करें, जिस भी इंटेंशन से, आपकी इंटेंशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए सीखने की, और आपकी रिसर्च और आपकी लर्निंग खुद ही आपको डेवलप करेगी। हम तो है ही हैं, हमने भी आगे सीखा है तभी डिलीवर कर पा रहे हैं, बट हम में से कोई भी भगवान नहीं है। जी अलका कुमारी जी आपका क्वेश्चन प्लीज। मैडम आपकी अभी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है, अभी आवाज आ रही है। मैडम क्वेश्चन बोल दीजिए, क्वेश्चन बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है, एक घर में 3 या 4 लोग रहते हैं, तो हर एक की बर्थ प्लेस भी अलग होती है। बर्थ प्लेस के टाइम पे जो आप हम बताते कि वहां पे ये था, तो वो भी सबका चेंज रहता है, वो सारे रहेंगे तो सब साथ में ही, तो उनका रेमेडी कैसे करना है? और दूसरा मुझे ये पूछना है कि अगर हम खुद के बारे में जब जानना चाहते हैं, तब हमको खुद का पता नहीं चल रहा है इतना। मुझे मैं खुद अभी रह के क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर हूँ, तो अगर मुझे खुद का कुछ पूछना है तो मैं किसी दूसरे को ही बोलती हूँ कि आप मुझे बताओ, मेरा खुद का आंसर होता है तो मैं जब देखती हूँ तो वो गलत आता है, तो क्या इसमें हम खुद का कर सकते हैं? इसे बिल्कुल आप खुद का कर सकते हो मैम, और आप तो वैसे ही क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर हो, तो हम आपको क्या कहें, आप कोर्स ज्वाइन करोगे तब देख लेना। वी आर आल्सो द चैनल, यू आर आल्सो चैनल, ठीक है मैम? और हर बंदे का, घर में 6 बंदे हैं तो 6 बंदों का वास्तु अलग होता है। ये नहीं कि एक का कर दिया तो सबका ठीक हो गया, घर में 8 बंदे तो 8ों का अलग अलग होता है। नो है तो नो। एक चीज है अरविंद जी, मैम पेन एक को होती है तो वही इलाज कराने जाता है, वही इलाज सर, 8ों के 8ों डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते, बस यही डिफरेंस है। लेकिन एक का क्लियर करने में दूसरे का पेन चालू हो जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं होता मैम, आप इंजेक्शन लेंगे तो आप ही का इलाज होगा, बाकियों का इलाज नहीं होगा, ना उनको दर्द होगी ना डिस्टर्बेंस होगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हाँ चेतना जी आप पूछ लीजिए। मैम एक्चुअल मैं आधा घंटा लेट थी, एंड ये टॉपिक मेरे लिए एक्चुअली नया है। मैं ग्राफोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड योगा टीचर हूँ, ये पूरा टॉपिक मेरे लिए नया है, आधा घंटा मैं मिस कर गई। तो एक्चुअल 7 नंबर आ रहा है तो रिसर्च में बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली देखेंगे तो, हालांकि बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, तो क्या हम कैसे डिसाइड करें, लाइक कि मुझे अभी कौन से फील्ड में मैं जा सकती हूँ? आप भी न्यूमरोलॉजिस्ट हो, मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, सीखना काफी कुछ है, टाइम बहुत कम है, बट कौन सा बेटर है कि हम किसी एक को फोकस करें लाइक? मैम ये एक क्वेश्चन है, जैसे आपने मिस किया, इस ओशन में डीप डाइव करेंगे तो आपको वेरियस कोर्सेस नजर आएंगे। आप कहेंगे कि मुझे प्रायोरिटाइज कैसे करना है, वो आपकी इंट्यूशन बताएगी। जहां से आप नॉलेज गेन करते जाएंगे, वो कहीं पे भी कोई कमी आपकी किसी भी एरिया में नहीं छोड़ेगी। सो ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैं कितने कोर्सेज में जाऊं, बिकॉज आप जितने कोर्सेज में जाएंगे
आप जितना इसको सीखेंगे आपको भी नहीं मालूम, आप किसी एक प्लैनेट को जो आपको नेगेटिव हिट दे रहा है वो आपका रोकर रखा है जस्ट बिकॉज आप केतु का काम कर रहे हो। सो अरविंद और मैं दोनों ये जानते हैं हमारी पत्री देखकर कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये हमारे कितने कष्टों को निवारण कर रहा है। सो देयर इज नो एंड टू इट। तो आप इस ओशन में जितना डीप डाइव कर सकते हैं करते जाइए एंड डोंट थिंक अबाउट इट कि कैसे प्रायोरिटी लेनी है। या श्योर, बट ऑफकोर्स प्रायोरिटी भी होती है, सपोज टू कि पहले ये देन वो देन लाइक कि फर्स्ट प्रायोरिटी एक्चुअली 4, 5, 6 and 8 मिसिंग है तो क्या मैं इसमें आ सकती हूँ? सो चेता जी, हमने शुरुआत पूरी फ्रेमवर्क की बताई है। अगर आपने एंड की स्लाइड देखी है हमने अपना पूरा फ्रेमवर्क आपको बताया। आप देखिए कि आप कौन से लेवल पे बिल्कुल सटीक है उस हिसाब से आप नेक्स्ट लेवल देखिए। बट अगर आपका फाउंडेशन ही वीक है तो आपकी इमारत भी वीक होगी। सो तभी हमने इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया है जो जहां पर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है वो वहां की एंट्री ले। बट अगर आपका फाउंडेशन वीक है तो याद रखना आपकी इमारत भी वीक रहेगी। नो डाउट। आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। 100% तो लास्ट दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिनका कैमरा ऑन है। गीता हारवानी जी का ले लेते हैं, उसके बाद जय जय का ले लेंगे। जी गीता हारवानी जी, प्लीज मैडम जी बोलिए। मैम नमस्कार। प्रिया जी एंड अरविंद जी एंड अजय शास्त्री जी, आपका बहुत, मैंने तो पहली बार देखा कि वास्तु को और इसको ज्वाइन करके आप बता सकते हैं कि एस्ट्रो को, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। एक क्वेश्चन था मेरा कि जब आपने केतु के बारे में बताया कि चौथे घर में केतु है, तो मेरा वही क्वेश्चन था कि मेरी बिटिया के भी बच्चा नहीं हुआ हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा लगा कि आपने वास्तु, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ लेकिन मेरे हिसाब से अभी उसका टाइम ठीक चल रहा था लेकिन वो नहीं बैठ रहा है काम, तो मुझे लगा कि ये उसके घर में पांचवें घर में केतु है, तो उसको अपन कैसे एडजस्ट करके बता सकते, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम लोग ये चीज नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद जी एक सेकेंड, सॉरी मैम, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना ये बगैर, सॉरी अरविंद मैंने आपको बीच में रोक दिया, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप इस कॉल के ऊपर, हमने तो वो चीज बताई है बट इसका जो रेमेडी सोल्यूशन अगर है और आपके घर का जो भी आपके बच्चे हैं उनके आगे जो बच्चा नहीं हुआ हुआ उनकी घर की सिचुएशन क्या है, जब तक उसको पूरी तरह से समझा ना जाए इट विल बी रॉन्ग एट आर पार्ट कि अगर हमने कोई भी आज रेमेडी दे दी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज अजय जी के थ्रू आप प्लीज कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा एंड वी वुड लाइक टू हेल्प यू बट आई डोंट थिंक इट्स द राइट प्लेटफॉर्म की यहाँ पर रेमेडी दे के बात करने के। मैं पर्सनल आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। अच्छा, सबसे बात कर देना मैम। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। द लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जय, जे ए वाई। हेलो मैम। हेलो मैम। जय गुरु जी। मैम अभी एक जन ने क्वेश्चन पूछा था कि घर में हम लोग इतने लोग रहते हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आपके आवाज आ रही है, आप नहीं दिख रही थी। तो ऐसे तो देखने जाए तो जिसके नाम से फ्लैट रहता है उसको इफेक्ट ज्यादा करता है, जिसके नाम पे मकान होता है अगर उनको तकलीफ हो रही है। यस बराबर। हाँ जी। अच्छा, और एक दूसरा सवाल है कि साउथ वेस्ट में रूस सूज रैक का रैक रखा हुआ है तो चलता है उधर? मैम वो अगेन आपकी पत्री के हिसाब से देखा जाएगा, जेनरिक स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। ये जो वास्तु है ना एस्ट्रो वास्तु, पहले बात वो जेनरिक वास्तु नहीं है जो आपको यहाँ बता दी जाए, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी जो कुंडली बनती है तो जो चार्ट बनता है उसके हिसाब से जो बता दो वो एस्ट्रो वास्तु है। जो आप बात करें कॉमन चीज की उसको नॉर्मल वास्तु बोलते हैं, ये अलग चीज होगी पूरा वाला कोर्स। और जिसका इस कोर्स में जिसका बर्थडे टाइमिंग नहीं रहेगा तो उसमें निकल सकता है? हाँ जी मैम, वो निकालना पड़ता है और उसका एक अलग प्रोसेस होता है निकालने का। बट यस, आप जो भी डेट बताते हैं आप ही इवेंचुअली जब हम उसको वर्क करेंगे तो आप ही बताएंगे कि जैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या उनका नेचर ऐसे है या उनकी सराउंडिंग्स में ऐसा नजर आ रहा है, तो आप ही कंफर्म जब करेंगे दैट मींस वो राइट उनकी टाइम ऑफ बर्थ है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। अजय जी
अभी अभी फिर से अपने वेबिनार आने वाले, अपने हफ्ते भर में दो तीन वेबिनार और आएंगे जी। इनकी जब आपकी क्लासेस वंदी से चालू हो रही है ना? हाँ जी। तो वंदी के पहले पहले हम दो वेबिनार तो भी लाएंगे आपके लिए, तो आपके जो बाकी डाउट है वहाँ पे हम लोग ले लेंगे। थैंक यू प्रिया एंड अरविंद जी, पुरुषोत्तम जी चलिए। जी जी अजय जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू जय गुरु जी, जय साईं राम, जय साईं राम।